गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कशन किया रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एंजाइम के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर्स, ठीक है। वेक्टर्स किसे कहते हैं, वेक्टर्स में क्लोनिंग वेक्टर्स क्या हैं और एक्सप्रेशन वेक्टर्स किसे कहते हैं, इनको जानेंगे, ठीक है। किसी वेक्टर की यूजफुल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उन सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे प्लाज्मिड का। प्लाज्मिड किसे कहते हैं, क्योंकि जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, प्राइमरली किस पर बेस्ड होते हैं, प्लाज्मिड पर। तो प्लाज्मिड क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, और एक प्लाज्मिड और मेन क्रोमोसोम में बेसिक डिफरेंस क्या है, ठीक है। क्या प्लाज्मिड इसेंशियल है, किसी भी बैक्टीरिया में यदि प्लाज्मिड पाए जाते हैं तो क्या उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए प्लाज्मिड इसेंशियल है या नहीं है, ठीक है। यदि इसेंशियल नहीं है तो प्लाज्मिड किस तरह की हेल्प कर सकते हैं बैक्टीरिया को, उसको भी हम लोग जानेंगे। तो हमारा टॉपिक बहुत ऐसा नहीं कि प्लाज्मिड के बारे में ही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन प्लाज्मिड के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जितने भी हम लोग वेक्टर्स डिजाइन करते हैं मोस्ट ऑफ किस पर बेस्ड है, प्लाज्मिड पर। इस वजह से प्लाज्मिड भी आपको आना चाहिए, ठीक है। तो प्लाज्मिड क्या है, पहला क्वेश्चन, मेन क्रोमोसोम को छोड़ करके जो एक्स्ट्रा डीएनए पाए जाते हैं बैक्टीरियल सेल में उन्हें हम प्लाज्मिड कहते हैं। ये मेन क्रोमोसोम नहीं है, मेन क्रोमोसोम के अलावा जो डीएनए फ्रेगमेंट्स या डीएनए सेगमेंट्स बैक्टीरिया में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्लाज्मिड्स कहते हैं, ठीक है। मेन क्रोमोसोम की तरह इन पर भी जीन्स हैं, यदि डीएनए है तो जीन्स होगा, ठीक है। प्लाज्मिड रेप्लिकेट भी करेंगे, तो क्या प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग उनकी बात करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनको आपको जानना है, ठीक है। प्लाज्मिड आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द क्रोमोसोम इन द बैक्टीरियल सेल। यहां पर इंडिपेंडेंट का मतलब यह है, सिंपली समझ लीजिए कि प्लाज्मिड का रेप्लीकेशन मेन क्रोमोसोम पर डिपेंड नहीं रहता है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। क्या प्लाज्मिड का रेप्लीकेशन मेन क्रोमोसोम पर डिपेंड है, जब बैक्टीरिया की सेल रेप्लीकेट होगी तो मेन क्रोमोसोम में क्या होगा, या बैक्टीरियल सेल जब डिवाइड होगी तब मेन क्रोमोसोम का रेप्लीकेशन होगा। तो एक क्वेश्चन ये हो सकता है, क्या प्लाज्मिड क्रोमोसोम के साथ ही रेप्लीकेट होते हैं, या प्लाज्मिड में रेप्लीकेशन इंडिपेंडेंट होता है। तो यहां पर एक, यदि प्लाज्मिड का रेप्लीकेशन मेन क्रोमोसोम के साथ होता तो एक प्रॉब्लम क्लोनिंग वेक्टर्स में ये आती कि जब तक बैक्टीरियल सेल डिवाइड नहीं होते तब तक हम लोग डीएनए क्लोन्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो प्लाज्मिड के दो करेक्टर आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो मेन क्रोमोसोम पर इंडिपेंडेंट है। यहां इंडिपेंडेंट का मतलब है इनका रेप्लीकेशन भी मेन क्रोमोसोम पर डिपेंड नहीं करता है, रेप्लीकेशन पर इनका, ठीक है, या रेप्लीकेशन जो प्रोसेस है वो मेन क्रोमोसोम पर डिपेंड नहीं करती है, ये ध्यान रखेंगे। और दूसरा, ये बैक्टीरियल सेल साइकिल से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये इनडिपेंडेंट रेप्लीकेशन कर सकते हैं। इस वजह से मेन क्रोमोसोम में यदि रेप्लीकेशन ना भी हो तो जो प्लाज्मिड है वो रेप्लीकेट कर सकते हैं। तो इनडिपेंडेंट है किस पर, मेन क्रोमोसोम पर, ध्यान रखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, आप लोगों ने अभी तक ये पढ़ा भी होगा कि जो प्लाज्मिड्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, कैसे होते हैं, सर्कुलर। अभी तक आप बैक्टीरिया की बात करेंगे तो प्लाज्मिड कैसे होंगे, सर्कुलर होंगे, क्लोज्ड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। क्या लीनियर प्लाज्मिड होते हैं, तो लीनियर प्लाज्मिड भी आइडेंटिफाइड हैं, ठीक है, सिर हिलाने की जरूरत नहीं है, जब सुनने के लिए बैठे हुए थोड़ी देर तो सिर मत हिलाओ, नहीं है तो पहले हिला दिया, लेकिन यहां पर लिखा हुआ कि नहीं है, ठीक है। तो लीनियर प्लाज्मिड भी पाए जाते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंट फॉर्म कौन सी है, सर्कुलर। तो ऐसा नहीं है कि लीनियर प्लाज्मिड नहीं पाए जाते हैं, लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं, ठीक है, एज ए प्लाज्मिड, लेकिन डोमिनेंटली कौन पाए जाते हैं, बोथ सर्कुलर एंड लीनियर प्लाज्मिड हैव बीन डॉक्यूमेंटेड, बट मोस्ट नोन प्लाज्मिड्स आर सर्कुलर। तो लीनियर भी आइडेंटिफाइड है, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्लाज्मिड्स कैसे होते हैं, सर्कुलर होते हैं, ये दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब प्लाज्मिड का साइज क्या हो सकता है,
प्लाज्मिड का साइज क्या होगा? मेन क्रोमोसोम का साइज तो काफी बड़ा होगा, ठीक है। यदि मैं इकोलाई क्रोमोसोम के साइज की बात करूं तो कितना होगा बताइए? 3.6 बेस पेयर। ये मेन क्रोमोसोम है किसका? इकोलाई का। लाखों बेस पेयर से, लाखों बेस पेयर से एक प्लाज्मिड का साइज कितना हो सकता है? क्योंकि जब हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे तो वेक्टर में एक कॉन्सेप्ट ही आता है कि आइडियल वेक्टर के क्या कैरेक्टर होने चाहिए। तो एक आइडियल वेक्टर जितना स्मॉल होगा उतना बेहतर होगा, तो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो जब हम लोग किसी प्लाज्मिड को वेक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या बहुत बड़े प्लाज्मिड को लेंगे? वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमें कैसे प्लाज्मिड चाहिए? स्मॉल। तो प्लाज्मिड का साइज क्या हो सकता है? तो प्लाज्मिड बहुत स्मॉल भी हो सकते हैं और लार्ज भी हो सकते हैं। यदि स्मॉल प्लाज्मिड की बात करें तो 1 KB का साइज हो सकता है। 1 KB मतलब 1000 बेस पेयर से लेकर के 250 KB के राउंड तक हो सकते हैं, लार्जेस्ट प्लाज्मिड हो सकते हैं। तो प्लाज्मिड लीनियर भी हो सकते हैं और सर्कुलर भी होते हैं। मोस्ट ऑफ कैसे होते हैं? सर्कुलर। साइज बहुत स्मॉल हो सकता है, 1 KB के राउंड हो सकता है, या मैक्सिमम बताइए 250 KB के राउंड भी हो सकता है। अर्थात तो वैरायटी है प्लाज्मिड्स में, छोटे भी हो सकते हैं और बहुत बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब एक पॉइंट आता है, स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड्स किसे कहते हैं? आपने मॉलिकुलर बायोलॉजी में स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ा है। मॉलिकुलर बायोलॉजी में कौन सा रिस्पॉन्स? स्ट्रिंजेंट रिस्पॉन्स आप पढ़ चुके हैं और बेसिकली आपने स्टडी किया था कि जब बैक्टीरिया प्रोटीन अमाइनो एसिड स्टार्वेशन या कहें सिंपली प्रोटीन डिफिशियंसी से सफर करते हैं तो ये रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है। उसी तरह से क्या लिखा है? स्ट्रिंजेंट। बहुत सारे प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल में बहुत कम नंबर में पाए जाते हैं और स्पेसिफिकली एक कॉपी होगी या ज्यादा से ज्यादा दो कॉपी होगी, एक कॉपी होगी। या कुछ प्लाज्मिड्स ऐसे होते हैं जो बैक्टीरियल सेल में उनका कॉपी नंबर बहुत ज्यादा होता है, कॉपी नंबर ज्यादा होगा, 50 या उससे ज्यादा हो सकते हैं पर सेल। तो क्वेश्चन ये है कि किसी बैक्टीरियल सेल में कितने प्लाज्मिड की कॉपी हो सकते हैं और क्या आइडेंटिकल प्लाज्मिड होंगे या अलग अलग भी हो सकते हैं? तो किसी बैक्टीरियल सेल में मोर देन वन प्लाज्मिड हो सकते हैं, वो अलग अलग भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, ध्यान रखोगे। क्वेश्चन ये उठता है, क्या सभी प्लाज्मिड्स की कॉपी नंबर ज्यादा होगा या कम होगा? तो उसमें दो रिलेशन देखने को मिलते हैं। जो प्लाज्मिड्स साइज में काफी बड़े होते हैं, 250 KB में मार्क कर रहा हूं, इसका मतलब नहीं 250 KB का होना ही चाहिए। जो प्लाज्मिड्स लार्ज होते हैं, जिनका साइज काफी बड़ा होता है, उनका कॉपी नंबर उतना ही कम होता है। कॉपी नंबर क्या होगा? कम होगा। ऐसे प्लाज्मिड्स को क्या कहते हैं, ध्यान रखोगे? दूसरे होते हैं रिलैक्स प्लाज्मिड। यहां रिलैक्सेशन सुपर कॉइलिंग को लेकर के नहीं कि पॉजिटिवली सुपर कॉइल्ड है या नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड है। रिलैक्स प्लाज्मिड क्या होते हैं? हम उन प्लाज्मिड्स को कहते हैं जिनका कॉपी नंबर रफली काफी ज्यादा होता है, 50 या उससे ज्यादा, या मोर देन 20, आप समझ लें मोर देन 20 प्लाज्मिड्स पाए जाए। ऐसे प्लाज्मिड्स को क्या कहते हैं? रिलैक्स प्लाज्मिड। जनरली दे आर स्मॉल प्लाज्मिड। कैसे होते हैं, ठीक है। जब हम लोग क्लोनिंग वेक्टर की बात करते हैं, क्लोनिंग वेक्टर कौन होगा? ये वही वेक्टर होगा जो अपने आप को रेप्लिकेट कर सके, ठीक है, और अपने नंबर को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर सके। यदि आपको डीएनए को एम्पलीफाई करना है तो जिस डीएनए पर लगा करके आप उस डीएनए को होस्ट सेल में भेज रहे हैं, उसके पास ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो रेप्लिकेट कर सके। जितना ज्यादा रेप्लिकेशन होगा डीएनए भी आप उतना ज्यादा आइसोलेट करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो हमें ऐसे प्लाज्मिड की जरूरत होगी जिसका कॉपी नंबर कैसा हो, ज्यादा हो। ये सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड और ध्यान रखेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन उठता है, क्या प्लाज्मिड में जीन्स हैं? तो यस, बिल्कुल जीन्स हैं। लेकिन क्या उन जीन्स की रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया को अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए है, अपनी नॉर्मल फिजियोलॉजी के लिए है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए और अपनी सेल वॉल या ट्रांसपोर्ट जो अक्रॉस द मेम्ब्रेन है उसको मेंटेन करने के लिए, क्या इसके लिए जरूरी है?
तो इसके लिए जरूरी नहीं है। यदि प्लाज्मिड नहीं है तो बैक्टीरिया नॉर्मली नॉर्मल कंडीशन में आराम से रह सकता है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जैसे किसी जानवर के सिर पर सींगे होती हैं, बहुत सारे जानवरों को आप जानते हैं, क्या उनके सिर पर जो सींगे हैं उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी है? बताइए, क्या ऐसा हो जाएगा उनके सींग किसी तरह से टूट गए तो वो कहेगा मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, रेलवे लाइन पर जाएगा और वहीं लेट जाएगा, मर जाएगा, आत्महत्या कर लेगा? बताइए, ऐसा तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, लेकिन समय आने पर बचाव हो सकता है। या दूसरे जानवर से लड़ाई हो जाए तो क्या करेंगे, सींगों का यूज करेंगे। ये समझ में आ रहा है? उसी तरह से प्लाज्मिड में प्रेजेंट जीन्स की रिक्वायरमेंट बैक्टीरिया की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए नहीं है, लेकिन एडवर्स कंडीशन में यहां प्रेजेंट जीन्स इस बैक्टीरिया की फिटनेस को इंप्रूव कर सकते हैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। जैसे टॉक्सिक केमिकल्स हैं, जहां बैक्टीरिया पहुंच गया है उसके अराउंड क्या है, टॉक्सिक केमिकल्स हैं, हो सकता है उन टॉक्सिक केमिकल्स को डिटॉक्सिफाई करने में प्लाज्मिड में प्रेजेंट जीन्स क्या करें, हेल्प करें। और आप जानते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, यदि प्लाज्मिड में क्या प्रेजेंट है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, बहुत फेमस टॉपिक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है तो उस जीन की प्रेजेंस की वजह से वो बैक्टीरिया उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से किल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो नॉर्मल जीन्स नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए प्लाज्मिड जीन्स की जरूरत नहीं है, लेकिन एडवर्स कंडीशन में इन जीन्स के प्रोडक्ट इस बैक्टीरिया को बचा सकते हैं। ठीक है, उसकी इन्वायरमेंटल फिटनेस को क्या करेंगे, इंप्रूव कर देंगे। ठीक है, जीन्स ऑफ प्लाज्मिड आर नॉट एसेंशियल फॉर नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बैक्टीरियम, हाउएवर मेनी प्लाज्मिड कैरी जीन्स दैट कन्फर ए सेलेक्टिव एडवांटेज टू द बैक्टीरियम टू सर्टेन एनवायरमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल कैरिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन का होना, यह ध्यान रखोगे। ठीक है, यदि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट है, जैसे कि ये एम्फिसिलिन का रेजिस्टेंस जीन है फॉर एग्जाम्पल, तो बैक्टीरिया एम्फिसिलिन की प्रेजेंस में किल नहीं होगा, हम लोग उसे किल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा कौन है, टेट्रासाइक्लिन, यदि टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है, ये जीन कैरी कर रहा है प्लाज्मिड में है, तो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन से भी किल नहीं होगा। ये समझ में आ रहा है? ये एक बड़ी प्रॉब्लम भी खड़ी हो गई है। ठीक है, तो जो मेडिकली एंटीबायोटिक्स जो यूज किए जा रहे हैं पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, यदि इस तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुए हैं जिनके पास प्लाज्मिड में इस तरह के जीन्स हैं, तो ऐसे पेशेंट को रिकवर करना आसान नहीं होगा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, लगातार आप देख रहे हैं कि इस बैक्टीरिया को इलिमिनेट करना, इसके इन्फेक्शन को बॉडी में खत्म करना उतना आसान नहीं है। 5 या 5 से ज्यादा एंटीबायोटिक्स को एक साथ यूज करते हैं तब भी इस बैक्टीरिया को आसानी से इलिमिनेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप देखते हैं कितना लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, 5 एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा नंबर है। ठीक है, तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक प्रॉब्लम भी है ह्यूमन के लिए, कि हम लोग इससे कैसे निपटेंगे, ये समझ में आ रहा है? अब आगे बढ़ा जाए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है और कॉपी नंबर कितना होगा, कम होगा, 1-2 है तो स्ट्रिंजेंट है, ज्यादा है तो रिलैक्स बोलते हैं। ठीक है, लीनियर भी हो सकते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ सर्कुलर होते हैं। इनके जीन्स की रिक्वायरमेंट नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए नहीं है, लेकिन एडवर्स कंडीशन में बैक्टीरिया को ये एडवांटेज दे सकते हैं। ठीक है, तो लगभग सभी बैक्टीरिया में, ऑन एन एवरेज आप ऐसा समझ लें, लगभग सभी बैक्टीरिया में प्लाज्मिड पाए जाते हैं या पाए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन एक स्टूडेंट प्लाज्मिड्स को कैसे स्टडी करें, क्योंकि अलग अलग प्लाज्मिड्स में अलग अलग करेक्टर होंगे, अलग अलग प्लाज्मिड में अलग अलग करेक्टर्स होते हैं, तो उन करेक्टर्स के बेसिस पर प्लाज्मिड को बेसिकली कई अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ऐसा नहीं है, कई सारे लोगों ने कई सारी बुक्स में 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, किसी ने 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, किसी ने 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और ये जो डिवीजन है वो किसी पर्टिकुलर फंक्शन के बेस पर है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि 3 ही सही है, 4 सही है, वो अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। तो प्लाज्मिड के पास कौन से स्पेशल करेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, उसके बेस पर हम लोग प्लाज्मिड को 5 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे या यफ प्लाज्मिड कहते हैं, क्या कहते हैं, यफ प्लाज्मिड, नाम सुना होगा,
बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में कंजुगेशन हो जाता है, ठीक है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को डायरेक्टली जीन ट्रांसफर कर सकता है। यदि वो ऐसा कर पाते हैं तो उनके पास कोई ना कोई तो एबिलिटी है, कोई ना कोई तो ऐसा जीन है जो उन्हें कैपेबल बना रहा है, कोई ना कोई तो जीन है जो उन्हें कैपेबल बना रहा है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो जो यह प्लाज्मिड है या फर्टिलिटी प्लाज्मिड, हम लोग उन्हीं प्लाज्मिड को कहते हैं जो बैक्टीरिया को ये कैपेबिलिटी देते हैं, उन्हें कैपेबल बनाते हैं कि वो कंजुगेशन कर सके, कैरी ओनली ट्रांसजींस एंड हैव नो कैरेक्टरिस्टिक बियॉन्ड दी एबिलिटी टू प्रमोट कंजुगेट, ठीक है, कंजुगेशन ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड। ए वेल नोन एग्जाम्पल इज दी यह प्लाज्मिड ऑफ इकोलाई। सिंपली यह प्लाज्मिड या फर्टिलिटी प्लाज्मिड हम लोग उन प्लाज्मिड को कहते हैं जो ऐसे जीन कैरी करते हो जो कंजुगेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। और आप जानते हैं कि जब कंजुगेशन होता है तो कंजुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन होता है, कंजुगेशन ट्यूब एक स्ट्रक्चर ही तो है, तो इन जीन्स के प्रोडक्ट उस कंजुगेशन ट्यूब फॉर्मेशन को प्रमोट करते हैं। तो ऐसे प्लाज्मिड जो कंजुगेशन का करेक्टर बैक्टीरिया को प्रोवाइड करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, सही, यह प्लाज्मिड, ठीक है। दूसरा कौन है, आर प्लाज्मिड, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग आरडीटी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ही तो यूज करते हैं, तो आर प्लाज्मिड क्या कहते हैं, आर स्टैंड करता है रेजिस्टेंस के लिए, इसके लिए। तो ऐसे प्लाज्मिड्स जिनमें किसी न किसी एंटीबायोटिक के लिए यदि रेजिस्टेंस जीन है, ठीक है, जीन का मतलब है कि एक डीएनए सेगमेंट है जो एमआरएनए कोड कर रहा है और उस एमआरएनए से एक प्रोटीन प्रोडक्ट बन रहा है, वो प्रोटीन प्रोडक्ट क्या करेगा, उसे आप एंजाइम कह सकते हैं, और वो एंजाइम उस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक को ब्रेक कर देगा, उसे डाइजेस्ट कर देगा, जिससे वो इनएक्टिव हो जाए, समझ में आ रहा है। जैसे पेंसिलिन में, पेंसिलिन एंटीबायोटिक का नाम सुना है ना, पेंसिलिन में जो केमिकल है उसमें बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है, कौन सी रिंग, और यही रिंग एक्टिव पोर्शन है पेंसिलिन का। बैक्टीरिया जो पेंसिलिन को डाइजेस्ट कर देते हैं वो एंजाइम कोड करते हैं जिसे नाम देते हैं बीटा लैक्टमेज, क्या नाम देते हैं, और जैसे ही बीटा लैक्टमेज एंजाइम वो कोड करते हैं, यदि सेल में पेंसिलिन प्रेजेंट है तो वो उसे ब्रेक कर देते हैं, उसकी रिंग को ओपन कर देते हैं और एंटीबायोटिक इनएक्टिव हो जाता है। तो आर प्लाज्मिड कैरी जीन्स कन्फरिंग ऑन दी होस्ट बैक्टीरियम रेजिस्टेंस टू वन और मोर एंटीबैक्टीरियल एजेंट सच एज क्लोरामफेनिकोल, एम्पिसिलिन एंड मर्करी, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति में, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से समझिएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ही हूं, ठीक है, मैं एक बैक्टीरिया से इंफेक्टेड हूं जिसमें, ठीक है, किस तरह के प्लाज्मिड हैं बताइए, यह प्लाज्मिड, और वो बैक्टीरिया बॉडी में है, ठीक है, क्या होता है, हम दूसरे बैक्टीरिया से भी इन्फेक्ट हो जाते हैं, और जिस दूसरा डिफरेंट बैक्टीरिया है जिसमें कौन प्लाज्मिड है, समझ में आ रहा है। अब ये क्या करेगा, ये कैपेबल बना रहा है कि एक बैक्टीरिया दूसरी बैक्टीरिया से क्या कर ले, कंजुगेशन, और यदि ऐसा हुआ तो रेजिस्टेंस जीन भी तो ट्रांसफर हो सकता है, तो जो बैक्टीरिया जिसके पास यह प्लाज्मिड था उसके पास कौन सा चला गया, आर प्लाज्मिड भी चला गया, इस तरह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया से, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस ट्रांसफर हो सकता है, समझ में आ रहा है। तो ये आर प्लाज्मिड है, तो ऐसे प्लाज्मिड जिन पर कैसे जीन्स पाए जाते हो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आर प्लाज्मिड। अब ये कौन है, पोल प्लाज्मिड, कोड फॉर बताइए, पॉलीसी, ठीक है, क्या कोड करते हैं, पॉलीसिन कोड करते हैं, प्रोटीन दैट किल अदर बैक्टीरिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल कॉल इवन ऑफ इकोलाई, जैसे स्नेक क्या करता है, टॉक्सिन बनाता है, जहर बनाता है, किसके लिए बनाता है, किसके लिए बनाता है, मनोज ने तो बता दिया कि एक के लिए बनाता है, अपने प्रोटेक्शन के लिए बनाते हैं ना, ठीक है। उसी तरह से बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में भी क्या है, कंपटीशन, बैक्टीरिया और बैक्टीरिया में भी कंपटीशन है स्पेस के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को किल करने के लिए क्या लगा देंगे, मिसाइल लगा देंगे,
बताइए, परमाणु बम गिरा देंगे, ऐसा होगा, कंपटीशन तो है ना। ठीक है, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, कुछ केमिकल कंपाउंड्स रिलीज करते हैं जो दूसरे बैक्टीरिया को किल करते हैं, समझ में आ रहा है। ऐसे केमिकल्स को क्या कहते हैं, पॉलीसिल्स। प्लांट में आपने इसी कॉन्सेप्ट को एलिलोपैथी में स्टडी किया है, स्टडी किया था ना एलिलोपैथी। एक प्लांट अपने नियर बाई प्लांट के साथ कॉम्पिटिट करता है, केमिकल कंपाउंड्स को सिक्रीट करता है, उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को रिटार्ड करता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एलिलोपैथी। तो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को भी किल करने के लिए क्या सिंथेसाइज करते हैं, केमिकल्स, बायोकेमिकल्स हैं ये भी। ठीक है, मैं कोई एग्जांपल दूंगा, आप लोगों ने पढ़ रखा है और बेहतर तरीके से आप लोग जानते होंगे आइनोफोर्स में। ठीक है, आइनोफोर में वेलिनोमाइसिन और मोनेंसिन का नाम सुना है, माइक्रोबियल प्रोडक्ट ही तो थे, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद कौन सा है, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड है, जिसमें से ये दो प्लाज्मिड हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है जिनको हम लोग यूज करेंगे। डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड अलाउ द होस्ट बैक्टीरियम टू मेटाबोलाइज अनयूजुअल मॉलिक्यूल सच एज टोलुइन एंड सैलिक एसिड एंड एग्जांपल बीइंग टोल ऑफ द स्यूडोमोनास, ठीक है, प्यूटिडा। तो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड है एंड विरुलेंस प्लाज्मिड कन्फर पैथोजेनिसिटी ऑन द होस्ट बैक्टीरिया। दीज इंक्लूड द टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ठीक है, विच इंड्यूस क्राउन गॉल डिजीज इन प्लांट्स। तो आपने देखा है टीआई प्लाज्मिड, नाम सुना है ना, बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, नाम सुना है ना, ये प्लांट में क्राउन गॉल डिजीज कॉज करता है, एक तरह का ट्यूमर कॉज करता है, और ये ट्यूमर फॉर्मेशन की प्रोसेस इस प्लाज्मिड पर डिपेंड करती है जिसे टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड हो गए, ध्यान रखेंगे। तो प्लाज्मिड का साइज स्मॉल भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। ठीक है, तो प्लाज्मिड का नॉलेज जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने प्लाज्मिड का नाम तो सुना है, लेकिन प्लाज्मिड क्या होते हैं, या वो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, या एक सेल में एक ही होगा, या एक से ज्यादा हो सकते हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में नहीं पता होता है। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है प्लाज्मिड के बारे में। ठीक है, तो कई बार हम लोग कॉल प्लाज्मिड या आर प्लाज्मिड या एफ प्लाज्मिड जैसे टर्म यूज करते हैं, तो वहां कंफ्यूजन रहता है कि कौन से प्लाज्मिड। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए, हमारा टॉपिक है वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या है, अलग अलग भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं और सेम तरह के भी हो सकते हैं। मैं इसी वजह से मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल भी रख सकता हूं जिनमें अलग अलग प्लाज्मिड पाए जाते हैं, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का प्लाज्मिड होगा, मैंने इस पॉइंट को पहले भी बोला कि अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ा जाए, वेक्टर्स किसे कहते हैं, क्योंकि हम लोग अब वेक्टर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, आरडीटी में वेक्टर का इंपॉर्टेंट कह सकते हैं प्लेस है। ठीक है, ये वेक्टर्स क्या हों, वेक्टर पहला क्वेश्चन है, वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा कुछ लोग सोच रहे सामने से हटो, पढ़ के बताता हूं क्या होते हैं, सामने से हट जाइए, मैं पढ़ के रीड करके बता रहा हूं वेक्टर्स क्या होते हैं, चलो रीड कर। तो रीड करने के लिए तो बहुत कुछ है। ठीक है, सभी लोग ध्यान से समझिए, वेक्टर क्या है, वेक्टर भी डीएनए है, क्या है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है जो एक फॉरेन डीएनए को टेस्ट ट्यूब से किसी होस्ट सेल में ले जा सके, क्या नाम देंगे, यही तक लिमिटेड नहीं कि होस्ट सेल में ले जा करके वहां छोड़ दिया, अनाथ छोड़ दिया कि जाओ अब मेरा काम खत्म, ऐसा नहीं है, वहां ले जा सके। साथ में वेक्टर का वो करेक्टर भी होना चाहिए, यदि वो क्लोनिंग पर्पजेस के लिए है तो वो रेप्लीकेट कर सके, यदि वेक्टर कैसा है, क्लोनिंग है, तो वो रेप्लीकेट कर सके, जिसके साथ वो डिजायर जो फॉरेन डीएनए है वो भी रेप्लीकेट हो, या फिर एक्सप्रेशन वेक्टर होगा तो वो उसके ट्रांसक्रिप्शन को डायरेक्ट कर सके। तो ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल जो फॉरेन डीएनए को किसी एक सुटेबल होस्ट सेल में ले जा सके क्लोनिंग या फिर एक्सप्रेशन पर्पजेस के लिए, उनको हम वेक्टर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, वेक्टर्स, ध्यान रखोगे। तो ये भी क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल है।
जिस पर हम लोग फॉरेन डीएनए लगा सकते हैं, और जब ये लेकर के होस्ट सेल में जाएंगे तो जिस पर्पज के साथ हम लोगों ने वेक्टर को यूज किया है, ठीक है, उस एम को भी ये पूरा करेंगे, उस एम को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं, वेक्टर्स कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखोगे। बाकी जो लिखा हुआ है इसको बहुत रटने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन आते हैं कि आप वेक्टर की डेफिनेशन लिख दीजिए और फिर दिल्ली चले आइए और मैं आपको सर्टिफिकेट दे देता हूं, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। आपकी समझ होनी चाहिए कि हम वेक्टर किसे कहते हैं। कई बार स्टूडेंट क्या है, बायोलॉजी के स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता, कभी वो किताबों में घुस जाता है, कभी नोट्स में घुस जाता है, बात समझ रहे हैं, फिर ऐसी गर्मी में समय मिला पानी में घुस गया, फिर किताब में पढ़ाई हो नहीं पा रही है। ध्यान रखेंगे, वेक्टर्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स दैट एक्ट एज व्हीकल फॉर कैरिंग फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए का मतलब ये नहीं है कि ये विदेशी डीएनए है, फॉरेन डीएनए का मतलब है कोई भी डिजायर डीएनए जिसको आपने सेलेक्ट किया है, ठीक है, इनटू होस्ट सेल फॉर क्लोनिंग और एक्सप्रेशन, क्लोनिंग के लिए या फिर एक्सप्रेशन के लिए। वेक्टर्स आर अनदर मेजर कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू मेक एन आर डीएनए मॉलिक्यूल फॉर जीन क्लोनिंग। जब हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, ठीक है, तो वेक्टर पर ही तो लगाएंगे डीएनए, और जब दो अलग अलग सोर्स के डीएनए को लिंक करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। तो हम वेक्टर को सेलेक्ट करेंगे, उस पर हम डिजायर्ड डीएनए को लगाएंगे, ठीक है। यूजुअली स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन, स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ बैक्टीरियल ओरिजिन, इसका मतलब हो गया प्लाज्मिड, आर यूज्ड एज ए क्लोनिंग वेक्टर। यूजुअली बैक्टीरियल प्लाज्मिड को एज ए क्लोनिंग वेक्टर यूज करते हैं, यूजुअली, लेकिन ये कोई रूल नहीं है, ठीक है, वायरस को भी यूज कर सकते हैं। ए डीएनए मॉलिक्यूल शुड पोसेसेस द फॉलोइंग एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स टू एक्ट एज क्लोनिंग वेक्टर। तो ये क्वेश्चन हो गया है कि वेक्टर्स किसे कहते हैं। तो ऐसे डीएनए मॉलिक्यूल जो फॉरेन डीएनए को टेस्ट ट्यूब से कहां ले जा सके, होस्ट सेल में फॉर क्लोनिंग या एक्सप्रेशन, उनको हम लोग वेक्टर्स कहते हैं। अब एक आइडियल वेक्टर के क्या कैरेक्टर होने चाहिए, ये जो कैरेक्टर आप लोग स्टडी करेंगे ये सभी वेक्टर्स पर इक्वली अप्लीकेबल होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है, सभी पर कैसे होंगे। जो अलग अलग वेक्टर्स की हम लोग क्लासेस पढ़ेंगे उनके अपने स्पेशल कैरेक्टर हों, या दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि आपको एक आइडियल वेक्टर के कौन से कैरेक्टर्स जानने हैं। जब भी आप किसी वेक्टर को डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं। वैसे मुझे पता है आप लोगों में काबिलियत बहुत है, बीएससी एमएससी में इतने पेपर्स लिख डाले हैं और इतने सारे पेजेस भर रखे हैं, इतना क्रिएटिव स्टूडेंट कहीं हो सकता है दुनिया में, तो नहीं हो सकता है, बात समझ रहे हैं, लेकिन अब वो समय निकल चुका है, अब बहुत ज्यादा क्रिएटिव होने की जरूरत नहीं है। तो एक वेक्टर के क्या कैरेक्टर होने चाहिए, कौन से पॉइंट्स पर आप वेक्टर की स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी वेक्टर को 4 से 5 पॉइंट पर स्टडी करना है, कितने पॉइंट पर, 4 से 5। यदि बहुत ज्यादा होगा तो उसके अपने कुछ स्पेशल 1-2 कैरेक्टर हो जाएंगे। इस वजह से एक कॉम्पिटेटिव स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा माथापच्ची की जरूरत नहीं है बुक्स में जाने की, 4-5 कैरेक्टर आपको आने चाहिए और उसी से हम लोग वेक्टर को डिफाइन कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ा जाए, कौन से कैरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। पहला कैरेक्टर सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। यदि वेक्टर किसी भी होस्ट सेल में जा रहा है तो वेक्टर के पास पहली कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो रेप्लिकेट कर सके अपनी रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट हो, अपनी क्या हो, रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट हो। नहीं समझ में आ रहा है, यदि किसी बैक्टीरियल सेल में हम लोग वेक्टर को ले जाते हैं, ये बैक्टीरियल सेल है और इसमें कोई वेक्टर आता है, ठीक है, ये वेक्टर है और ये रेप्लिकेट नहीं कर रहा, वेक्टर का रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है,
ठीक है, तो यदि रेप्लिकेट नहीं करेगा तो फिर फायदा क्या हुआ? जितना डीएनए आपने बैक्टीरियल सेल में पहुंचाया उतना ही डीएनए उसमें प्रेजेंट रहेगा। तो पहला करेक्टर क्या होना चाहिए? रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट। बैक्टीरिया के मेन क्रोमोसोम में आप लोग जानते हैं रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट को, बताइए ओरीसी ओआरआईसी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। तो वेक्टर के पास अपनी रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट होनी चाहिए, पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट भी दो तरह की हो सकती है, रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट भी दो तरह की हो सकती है। एक वो स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड वाली रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट हो सकती है, बड़ी वीक और रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट है। आप लोगों ने प्रमोटर्स दो तरह के पढ़ रखे ना, स्ट्रॉन्ग और वीक प्रमोटर, उसी तरह से अलग अलग प्लाज्मिड में पाई जाने वाली रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट की जो रेप्लिकेशनल इफिशियंसी होती है वो अलग अलग होती है। कुछ रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स ज्यादा पावरफुल हैं और पर यूनिट टाइम अपने प्लाज्मिड की रेप्लिकेशन को कुछ ज्यादा बार ही डायरेक्ट कर सकते हैं, और कुछ रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स वीक हैं, वहां से रेप्लिकेशन इनिशिएशन प्रोसेस इजिली स्टार्ट नहीं हो पाता है। तो आप किस तरह की रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट को प्लेस करना चाहेंगे किसी वेक्टर में? इफिशियंट रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट या वीक, ध्यान रखेंगे। यदि हमें क्लोनिंग वेक्टर में जाना है, देखिए सभी वेक्टर में रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट का होना कंपलसरी है, इसके बिना आपके पास कोई आइडियल वेक्टर नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन यदि हमें क्लोनिंग करना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा पावरफुल रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट को उसमें प्लेस करना होगा, ध्यान रखेंगे, ये एसेंशियल करेक्टर है। ठीक है, आगे जब हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे पीवीआर के बारे में, पीवीआर 322, तो कहेंगे इसकी 15 से 20 कॉपी मिलती है बैक्टीरियल सेल में, लेकिन पीवीआर 327 में जाएंगे कहेंगे इसकी तो कॉपी सैकड़ों में मिल जाएंगी, ज्यादा कॉपी नंबर मिल जाएंगे, 40 से 50 मिल जाएंगे। ठीक है, तो रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट जितना बेहतर होगा कॉपी नंबर भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, इनेबल टू रेप्लीकेट विद इन दी होस्ट सेल, पहली बात तो रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट उस वेक्टर को कैपेबल बनाएगा कि वो होस्ट सेल में रेप्लीकेट कर सके। ठीक है, यदि रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट पावरफुल है तो ये वेक्टर ज्यादा से ज्यादा रेप्लीकेट करेगा, और जब भी रेप्लीकेट करेगा तो एक नया आइडेंटिकल कॉपी बनेगा, इसका नंबर भी सेल में बढ़ जाएगा, ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन, जब रेप्लिकेशन होगा तो क्या ये वेक्टर ही अपने पॉलीमरेज को कोड करेगा, डीएनए पॉलीमरेज को, अपनी रेप्लिकेशन मशीनरी ये खुद कोड करेगा, अपना डीएनए पॉलीमरेज, अपनी हेलिकेज, अपना एसएसबी प्रोटीन, डीएनए गायरेज? तो ऐसा नहीं है, ये होस्ट सेल की मशीनरी ही यूज करेगा। किसकी मशीनरी? होस्ट सेल की मशीनरी यूज करेगा, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा है, सॉरी सेकेंड पॉइंट है सेलेक्टेबल मार्कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेलेक्टेबल मार्कर। जब हम किसी वेक्टर को डिजाइन करते हैं, एक वेक्टर आपने डिजाइन किया और उसे बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस कर दिया, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपको आइडेंटिफाई भी तो करना पड़ेगा कि उसमें वेक्टर प्रेजेंट है या नहीं है, या उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या नहीं है। तो जब हम किसी सेल में किसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं, आगे मैं आपको सिलेक्शन प्रोसीजर बताऊंगा कैसे रिकॉम्बिनेंट सेल को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन कैसे होगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी साइंस का, ये तो इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जैसे आपने मेटाबॉलिज्म में देखा कार्बन लेबलिंग कर देते हैं, C14 कार्बन लगा दिया, लेबलिंग करते हैं ना, रेडियो लेबलिंग कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे तो उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कैसे हम डिस्क्रिमिनेट कर पाएंगे नॉर्मल डीएनए से, क्योंकि है तो सभी डीएनए, तो क्या होना चाहिए? सेलेक्टेबल मार्कर, कुछ ऐसे मार्कर्स होने चाहिए जिसके बेसिस पर हम सेलेक्ट कर सकें कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, साथ साथ में हम रिकॉम्बिनेंट सेल, जिस सेल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रेजेंट होगा उसे रिकॉम्बिनेंट या ट्रांसफॉर्म्ड सेल भी बोलेंगे। तो सिलेक्शन के लिए क्या होने चाहिए? सेलेक्टेबल मार्कर, क्या होने चाहिए? सेलेक्टेबल मार्कर।
ध्यान रखेंगे, वो तुम लोगों ने बाली और सुग्रीव की कहानी पढ़ी होगी, पढ़ी थी ना, तो उसमें सुग्रीव को भेजा गया कि चले जाओ और उससे लड़ाई करो, तुम्हें हम प्रोटेक्ट करेंगे, और उसको पहले भेज दिया। जब वहां गया तो क्या हुआ, वो दोनों भाई कैसे थे, एक जैसे थे, जबकि एक भाई क्या था, वो ज्यादा पावरफुल था। तो सुग्रीव पर बहुत मार पड़ी, वो लौट के आए, शिकायत किया कि भेज तो दिया तुम लोगों ने, बचाया नहीं, मार बहुत पड़ी मेरे ऊपर। तो उनको बताया गया कि तुम दोनों भाई एक जैसे दिखाई पड़ रहे थे, पहचाना कैसे जाता। तो फिर क्या किया चंद्रकांत, एक माला पहना दिया गया कि अब जाओ। उसी तरह से जब हम लोग वेक्टर बनाएंगे तो उसमें क्या लगा देंगे, सेलेक्टेबल मार्कर्स। अभी सेलेक्टेबल मार्कर्स जनरली क्या करते हैं, प्लाज्मिड बेसिस पर यदि हम लोग जाएं तो वहां पर हम लोग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं, जैसे क्लोरामफेनिकोल का जीन हम लोग यदि यूज करेंगे, किसका जीन, तो जब ये डीएनए, जब ये वेक्टर किसी बैक्टीरियल सेल में जाएगा तो वो बैक्टीरिया क्लोरामफेनिकोल से मरेगा नहीं, क्योंकि उसके अगेंस्ट में क्या डेवलप कर लेगा, रेजिस्टेंस। ध्यान रखेंगे किसके अगेंस्ट में, ठीक है। और यदि उस जीन को इंटरप्ट कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस क्या होगा, खत्म हो जाएगा। इस बेसिस पर सिलेक्शन कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमें क्या करेंगे, परमिट करेंगे इजी डिटेक्शन एंड सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। जो होस्ट सेल है उसको हम लोग पहचान लेंगे कि वो ट्रांसफॉर्म्ड है या नहीं है, उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए है या नहीं है। ये दो करेक्टर याद रखेंगे। तो जितने भी वेक्टर आप पढ़ेंगे उसमें ये क्वेश्चन का आंसर देना होगा कि उसमें सेलेक्टेबल मार्कर क्या है। समझ में आ रहा है, रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि कॉपी नंबर कितना होगा किसी भी वेक्टर, जैसे फॉर एग्जांपल पीवीआर 322, तो क्वेश्चन उठता है कि उसकी कितनी कॉपीज बैक्टीरिया की नॉर्मल कंडीशन में हो सकती है, तो उसका रिलेशन रेप्लिकेशन ओरिजिन से। सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होंगे उसका भी आंसर देंगे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड जो पॉइंट है वो है मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स। अभी क्वेश्चन उठता है ये क्लोनिंग साइट्स क्या है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स क्या है, ठीक है। तो ये कुछ और नहीं है, आप लोगों ने रिस्ट्रिक्शन साइट्स के बारे में पढ़ रखा है। इसके बारे में रिस्ट्रिक्शन साइट्स के बारे में पढ़ रखा है। यहां पर ध्यान देंगे, ये एक डीएनए है, क्या है, डीएनए। और यदि यहां पर ये साइट इको आर वन की है, किसकी है, इको आर वन की, तो इसे हम क्लोनिंग साइट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, जब हम लोग इको आर वन से ट्रीट करेंगे तो ये डीएनए यहां पर क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ही ब्रेक होगा तो इसे क्या करेंगे, ओपन कर लेंगे, और यहां पर इन दोनों एंड पर हम लोग अपने डिजायर्ड डीएनए मॉलिक्यूल को क्या कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ये हमारा डिजायर्ड डीएनए मॉलिक्यूल हो गया। तो एक वेक्टर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इन दिस सेंस, ऐसा नहीं कि हमेशा सर्कुलर रहेगा, लीनियर भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्लोनिंग साइट का मतलब होता है कि रिस्ट्रिक्शन साइट है, हम उस जगह पर एक डिफाइंड एंजाइम से कट करेंगे, और जब कट करेंगे तो डीएनए क्या होगा, एंड ओपन हो जाएंगे, उन्हीं दोनों एंड पर डिजायर्ड डीएनए को क्या करेंगे, लाइगेट कर देंगे, और इस तरह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनेगा। तो क्लोनिंग साइट्स का मतलब क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट, क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट एक होनी चाहिए या एक से ज्यादा होनी चाहिए। यदि एक से ज्यादा है तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। जैसे एक इलेक्ट्रीशियन आता है और एक पेचकस लेके आता है, एक इलेक्ट्रीशियन आता है और वो एक पेचकस लेके आता है और उसको वायरिंग करनी है, समझ में आ रहा है। अब उसके लिए चैलेंज है या नहीं, बिल्कुल है, क्योंकि स्क्रू साइज अलग अलग हो सकते हैं। तो यदि वो पूरा सेट लेके आता है तो आसान है। उसी तरह से यदि हम लोग मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स को लगाते हैं तो हमारे लिए क्या होगा, काफी ज्यादा आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि जो डीएनए हम लगा रहे हैं उस डीएनए को भी तो कहीं से कट किया होगा, उस डीएनए को भी कहीं ना कहीं से कट किया होगा, और जब कट किया होगा तो उसको भी देखा होगा कि किस एंजाइम से कट करें जिससे एक हमारा डिजायर्ड फ्रेगमेंट आए। एक से ज्यादा यदि हमारे पास क्लोनिंग साइट्स होगी तो हमें फॉरेन डीएनए को लाइगेट करने में आसानी होगी, समझ में आ रहा है। अब दूसरा पॉइंट ध्यान दो, यदि क्लोनिंग साइट, यदि मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट्स एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड हैं, डीएनए के एक पर्टिकुलर रीजन में क्या है, कंसंट्रेटेड हैं,
तो इस पूरे रीजन को पॉलीलिंकर बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पॉलीलिंकर। तो पॉलीलिंकर क्या होते हैं? ये मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट्स का कलेक्शन है एक पर्टिकुलर साइट पर, उसे क्या बोलेंगे? पॉलीलिंकर। आप इस जगह पर कई सारे रिस्ट्रिक्शन साइट्स को प्लेस कर चुके हैं। अब जितनी रिस्ट्रिक्शन साइट है उसमें से किसी भी एक एंजाइम को आप यूज कर सकते हैं, डीएनए को ओपन कर सकते हैं और यहां पर फॉरेन डीएनए को लाइगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट, क्वेश्चन है कि ये क्या है, पहले इसी को समझ लो, ठीक है। वेयर फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट कैन इंसर्ट, ठीक है। क्लोनिंग साइट आर एक्चुअली यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट, समझ में आ रहा है। यदि मल्टीपल रिस्ट्रिक्शन साइट एक ही प्लेस पर है, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन में प्रेजेंट है, उस रीजन को क्या बोलेंगे? पॉली लिंकर। ये टर्मिनोलॉजीज हैं जो यूज की जाती है, उनको कहते हैं पॉली लिंकर। कोई समस्या इसमें मनोज? कोई समस्या इसमें? ए स्मॉल रीजन ऑफ वेक्टर वेयर मल्टीपल यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर ग्रुप इज नोन एज मल्टीपल क्लोनिंग साइट और द पॉली लिंकर, ठीक है। लिंकर और एडॉप्टर बता ही चुका हूं क्या होते हैं, और ये क्या है? पॉली लिंकर। कई बार क्लोनिंग साइट और रिस्ट्रिक्शन साइट में अलग अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है स्टूडेंट, ठीक है। ये अलग अलग नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये वैसे ही है जैसा आपका घरेलू नाम और कोचिंग वाला नाम। अब मैं घर वाले नामों को नहीं जानता हूं, तुम लोग जान लूंगा तो वही बोला करूंगा। द प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल क्लोनिंग साइट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द चॉइस ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की चॉइस को क्या करेगा? एक फ्लेक्सिबिलिटी दे देगा, ठीक है। कई बार लोग जब बाहर पढ़ने आते हैं तो पूरी उनकी मेहनत इसी में लगी रहती है कि हमारा घर वाला नाम यहां के लोग ना जान पाए, ऐसे ही तो होता है ना। चलिए लास्ट पॉइंट पर आते हैं। साइज कैसा होना चाहिए? स्मॉल साइज होना चाहिए। साइज कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। एक आइडियल वेक्टर का साइज स्मॉल होना चाहिए, लार्ज? कई बार लोगों को लगता है बहुत बड़ा हो, बड़े डीएनए को लेके जाएंगे, बड़े डीएनए को लेके जाएंगे तो कैसे बैक्टीरिया में पहुंचेंगे? ले भी तो जाना है बैक्टीरियल सेल में। बैक्टीरियल सेल में क्या करना है? ले जाना है, ठीक है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, लोग गन्ना खाते हैं ना, या गन्ना बड़ा सा पेड़ निगल लेते हैं, बताइए क्या कर सकते हैं? विजय शंकर, तुम बहुत बिल्कुल वैक्यूम में जाके सोच रहे थे कि क्या निगल सकते हैं, क्या निगल सकते हैं? नहीं निगल सकते। तो यदि बड़ा डीएनए, आप सभी लोग ध्यान दें, इस पर हंसने की जरूरत नहीं है। यदि एक लार्ज साइज डीएनए मॉलिक्यूल को यूज करेंगे तो दो प्रॉब्लम आएंगी। पहली प्रॉब्लम तो ये होगी कि जब आप उसको टेस्ट ट्यूब में दूसरे डीएनए के साथ मैनिपुलेट कर रहे होंगे तो हैंडल करना मुश्किल होगा, ठीक है। दूसरी प्रॉब्लम ये है, जितना बड़ा डीएनए मॉलिक्यूल होगा फिजिकल स्ट्रेस उतना ज्यादा होगा। मैं सामान्य शब्दों में कहूं, वो उलट सकता है, वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है। दूसरा बड़ा क्वेश्चन ये होगा कि जब आप उसे बैक्टीरियल सेल में या प्लांट सेल में या एनिमल सेल में ले जाएंगे, सेल के अंदर ले जाना है, और सेल के अंदर ले जाने का मतलब समझ रहे हैं, बाहर की कवरिंग्स को क्रॉस करना है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है? आउटर लिविंग स्ट्रक्चर है। यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक होता है और वो रीसील नहीं हो पाता है, सेल की डेथ हो जाएगी, समझ में आ रहा है। इस वजह से कैसा होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। एक आइडियली एक वेक्टर का साइज क्या होना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन है। तो यदि हम प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर्स में जाएं तो आइडियली लेस देन 10 केबी का होना चाहिए। कितने केबी का? 10 केबी। 10,000 बेस पेयर से यदि वेक्टर का साइज कम है तो ठीक है, और जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ही बेहतर होगा, उतना ही क्या होगा? बेहतर होगा। ये चार पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। एक पॉइंट और है जिस पर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं। ये प्लाज्मिड जो भी वेक्टर्स हैं, ठीक है, चाहे वो बैक्टीरियल प्लाज्मिड बेस्ड हो या फिर वो ईस्ट प्लाज्मिड बेस्ड हो,
या आर्टिफिशियल हो या फिर वो वायरस बेस्ड। एक क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर हम लोग अलग अलग वेक्टर्स में जाकर के स्टडी करेंगे, ये कितने बड़े साइज का डीएनए कैरी कर सकते हैं। ठीक है, जो डीएनए कैरी करेंगे उसका साइज कितना होना चाहिए। वेक्टर है तो डीएनए ही कैरी करेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन तो या कहें कि लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, किसी वेक्टर की कैपेबिलिटी क्या होगी कि वो कितने साइज का डीएनए कैरी कर सकता है। समझ में आ रहा है? और ये साइज क्यों जरूरी है? क्योंकि जो जीन है, जीन का साइज बहुत बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। जीन बहुत बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आपको याद आ रहा हो, यदि मैं ह्यूमन जीन की बात करूं, ठीक है, एपो लाइपो बी हंड्रेड ये एक लिपिड ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन है और आप जानते हैं इसमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितने हैं, बताइए। ठीक है, अब आप देखिए ऑन एन एवरेज 4500 4500 से ज्यादा अमीनो एसिड है इसमें। यदि इतने अमीनो एसिड है तो इसके एमआरएनए को यदि आप डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या निकलेगा, न्यूक्लियोटाइड्स। क्या निकलेगा? न्यूक्लियोटाइड। जबकि हम लोग इंट्रॉन्स को रिप्लेस हटा रहे हैं, 5' UTR 3' UTR को छोड़ रहे हैं, 10,000 बेस पेयर से ज्यादा का जीन इसका है। समझ में आ रहा है? एक एवरेज में 10,000 बेस पेयर से भी ज्यादा का जीन है। और इतना बड़ा जीन क्या एक वेक्टर ले जा सकता है, क्वेश्चन यहां है। तो यदि आपको कह दिया जाए कि इस एपोलाइपो बी 100 जीन को क्लोन करना है तो आपको देखना होगा कि कौन सा वेक्टर है जो इस साइज का जीन ले जा सकता है। समझ में आ रहा है? जो प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर्स होते हैं, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, जो प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर्स होते हैं वो 1 से लेकर 5 KB तक का डीएनए ही ले जा सकते हैं। कितने से? इसका मतलब ये कैपेबल नहीं है, प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर्स कैपेबल नहीं है इस जीन को क्लोन करने के लिए। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यदि सभी वेक्टर के पास कैपेबिलिटी इक्वल होती तो फिर हम लोग दूसरे वेक्टर्स को लगातार क्यों डेवलप करने की कोशिश करते हैं, वैरायटी ऑफ वेक्टर्स क्यों डेवलप करते हैं? तो जो आप अलग अलग वेक्टर्स पढ़ेंगे उसका उसके जो पीछे का क्वेश्चन है वो यही है कि सभी वेक्टर्स की कैपेबिलिटी इक्वल नहीं है। जीन का साइज बहुत बड़ा हो सकता है, जीन का साइज छोटा हो सकता है। और यदि किसी एक जीन की स्टडी करना है, किसी एक जीन को क्लोन करना है तो आप उसे फ्रेगमेंट में क्लोन नहीं कर सकते हो। समझ में आ रहा है? इस वजह से हम लोग अलग अलग वेक्टर्स पढ़ते हैं। तो कितने पॉइंट्स पर वेक्टर्स को स्टडी करोगे? 4 पॉइंट तो ये ध्यान रखना है और पांचवा उसकी कैरियिंग कैपेसिटी क्या है उसको ध्यान रखना है। ठीक है, सेलेक्टेबल मार्कर्स क्या होंगे, रिस्ट्रिक्शन साइट्स क्या है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे, साइज क्या होगा और रेप्लिकेशन ओरिजिन। रेप्लिकेशन ओरिजिन पर जब हम उस पर ध्यान देते हैं तो नंबर ऑफ कॉपीज कितनी होगी उस पर्टिकुलर वेक्टर के, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। ये ध्यान रखेंगे, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। मोस्ट ऑफ जितने भी वेक्टर्स आप पढ़ेंगे उन सभी को आप इन पॉइंट्स पर स्टडी करेंगे। ये 5 पॉइंट तो हमेशा वेक्टर के ध्यान ही रखने हैं, किसी भी वेक्टर को क्यों ना स्टडी किया जाए। जैसे पीयूसी सीरीज के वेक्टर पढ़ रहे हैं तो उनका कॉपी नंबर कितना होगा, समझ में आ रहा है? सेलेक्टेबल मार्कर क्या होंगे, पॉली लिंकर्स कितने होंगे, किस पोजीशन पर होंगे और वो कितना डीएनए कैरी कर सकते हैं, क्या उनकी सेलेक्टिव एडवांटेज है, ये तो हम लोग स्टडी करेंगे। तो आपके लिए बेहद आसान हो जाएंगे वेक्टर्स को स्टडी करना। यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। मनोज, कोई क्वेश्चन नहीं, आगे बढ़ा जाए। मतलब आज ही नहीं है या हमेशा से नहीं, या सैटरडे संडे के आसपास आकर के छुट्टी कर देते क्वेश्चन की, या कि क्वेश्चंस की छुट्टी। बताओ
हमारे गांव में तो संडे को छुट्टी रहती है, चिड़िया दाना खाने भी नहीं जाती, मछलियां पानी भी नहीं पीती क्योंकि उस दिन छुट्टी रहती, जानवर चारा भी नहीं खाते, छुट्टी रहती। ऐसा है? आगे बढ़ा जाए, देखो सभी लोग ध्यान दो। क्लोनिंग वेक्टर एंड एक्सप्रेशन वेक्टर, वेक्टर को फर्दर दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एक को नाम देते हैं क्लोनिंग और दूसरे को नाम देते हैं एक्सप्रेशन। ये संडे वाली छुट्टी से बाहर निकल चुके हो तो यहां पर ध्यान दे, क्लोनिंग वेक्टर और एक्सप्रेशन वेक्टर, कुछ लोग चले जाते हैं तो उसी में चले जाते हैं, क्लोनिंग वेक्टर एंड एक्सप्रेशन वेक्टर। सभी लोग ध्यान दें, और हम लोगों के दो एम हो सकते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग ये चाहते हैं कि इंसुलिन का जीन ह्यूमन की पैनक्रियाटिक बीटा सेल से हम लोग निकाल करके और किसी बैक्टीरियल प्लाज्मिड के साथ हम लिंक करेंगे और बैक्टीरिया में इंसुलिन प्रोटीन को प्रोड्यूस करें, किसमें प्रोड्यूस करेंगे, तो हमें इंसुलिन प्रोटीन की इंपॉर्टेंस को देखना है, हमें इंसुलिन प्रोटीन बनानी है। क्या बनानी है? तो हमारा ज्यादा फोकस होगा कि उस पर्टिकुलर इंसुलिन जीन को जो हमने लाइगेट किया है वेक्टर के साथ, उसका ज्यादा से ज्यादा ट्रांसक्रिप्शन क्या हो। तो यदि हम किसी प्रोटीन प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे? एक्सप्रेशन। ऐसा करने के लिए हम लोगों को, जैसा आप लोगों ने लैकोपेरॉन ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन के बारे में पढ़ रखा है, हमें एक प्रमोटर ऑपरेटर अर्थात एक रेगुलेटरी एलिमेंट और एक स्ट्रॉन्ग प्रमोटर उसे प्रोवाइड करना हो, ठीक है, जिससे जब ये वेक्टर बैक्टीरियल सेल में जाएगा, अपने होस्ट सेल में जाएगा, तो इस जीन के पास, इस जीन के साथ साथ उसके रेगुलेटरी एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं जो इसके ट्रांसक्रिप्शन को डायरेक्ट करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्या बना सके, प्रोटीन बना सके। तो यदि हम प्रोटीन को कोड करने के लिए वेक्टर डिजाइन कर रहे हैं तो उसको किस कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। फंडामेंटली ऐसा करने के लिए हमारा एम होगा कि हम उस जीन के साथ स्ट्रॉन्ग प्रमोटर और ऑपरेटर लगा सकें, ठीक है, अर्थात रेगुलेटरी एलिमेंट्स को भी उसके साथ हम प्लेस करें, जिससे हम उस जीन के एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकें, जीन के एक्सप्रेशन को, ठीक है, कंट्रोल उसी तरह से कर सकें जैसा लैकोपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में आपने स्टडी किया था। तो एक बेहतर प्रमोटर के साथ हम एक जो वेक्टर है उसे डिजाइन करेंगे और ऐसे वेक्टर्स को क्या नाम देंगे, ठीक है। तो एक्सप्रेशन वेक्टर जो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस का पर्पस है उसे पूरा कराते हैं। यदि हमें किसी डीएनए को क्लोन करना है, डीएनए की थाउजेंड सॉफ्ट कॉपी बनानी है, ठीक है, समझ में आ रहा है, डीएनए की थाउजेंड सॉफ्ट क्या करनी है, कॉपीज बनानी है, उसके लिए हमारे पास कौन से वेक्टर होंगे? क्लोनिंग वेक्टर्स को डिजाइन करने में पूरा का पूरा जो स्ट्रेस है वो इस पॉइंट पर है कि ये ज्यादा से ज्यादा रेप्लीकेट करे, ज्यादा से ज्यादा, जितनी ज्यादा कॉपीज होगी डीएनए भी उतना ज्यादा एम्पलीफाई होगा। ये दो पर्पस के साथ डिजाइन होने वाले वेक्टर्स हैं, इस वजह से क्लोनिंग और एक्सप्रेशन वेक्टर। तो मैं आपको पहले पढ़ाने चल रहा हूं क्लोनिंग वेक्टर और देन इसके बाद एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन वेक्टर के साथ साथ आप ये भी पढ़ेंगे कैसे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन सिंथेसाइज की जाती हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन बनाई जाती है। समझ में आ रहा चंद्रकांत जी? आगे बढ़ा जाए, ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो अब हम लोग बात करने वाले हैं किसकी, क्लोनिंग वेक्टर की, ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर की हम लोग बात करने वाले हैं। अब यहां पर थोड़ा सा आप सभी लोग ध्यान देंगे, जब क्लोनिंग वेक्टर्स डिजाइन होंगे तो बैक्टीरिया के लिए भी हो सकते हैं, किसके लिए हो सकते हैं, बैक्टीरिया के लिए हो सकते हैं, वो यूकैरियोटिक सेल के लिए हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर कुछ पॉइंट हैं, पहले उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं और देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, बैक्टीरिया और देन यूकैरिया। यदि किसी क्लोनिंग वेक्टर को आपको बैक्टीरियल सेल में ले जाना है तो बैक्टीरियल सेल में डीएनए रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन के रूल्स अलग हैं, समझ में आ रहा है, तो वेक्टर उस तरह से डिजाइन करना होगा।
ठीक है, समझ में आ रहा है। और यदि हमें यूकैरियोटिक सेल में वेक्टर को ले जाना है तो यूकैरियोटिक सिस्टम में रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अलग है। ठीक है, तो वेक्टर जब हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है, जो वेक्टर आप डिजाइन करने वाले हैं या जो आज की डेट में वेक्टर बन चुके हैं, ठीक है, क्या एक ही वेक्टर सभी तरह की अलग अलग सेल्स में यूज हो सकता है? तो आंसर है नहीं। यदि हमें बैक्टीरियल सेल में क्लोनिंग करनी है तो उसके लिए जो क्लोनिंग वेक्टर होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थोड़े अलग होंगे, और यदि हमें ले जाना है यूकैरियोटिक सेल में तो फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अलग अलग होने चाहिए। और यूकैरियोटिक सेल में जाएंगे तो ईस्ट हो सकता है, एनिमल हो सकते हैं, एंड देन प्लांट हो सकते हैं, प्लांट हो सकते, समझ में आ रहा है? ठीक है, बैक्टीरिया में यहां से कई सारे क्वेश्चन हैं। इसका केवल मतलब ये नहीं कि वेक्टर हम डिजाइन करेंगे या वेक्टर अलग अलग डिजाइन किए जाते हैं तो बैक्टीरिया के लिए डिजाइन करने के लिए अलग स्ट्रेटजी है, ईस्ट के लिए, एनिमल और प्लांट के लिए अलग अलग स्ट्रेटजी है। अर्थात बैक्टीरिया का वेक्टर आप ईस्ट में प्लांट या एनिमल में यूज नहीं कर सकते हैं, या एनिमल के लिए डिजाइन होने वाले वेक्टर को आप यूज नहीं कर सकते हैं बैक्टीरिया, समझ में आ रहा है? लेकिन फिर भी एक वेक्टर होता है जिसे सटल वेक्टर कहते हैं। नाम सुना है? सटल वेक्टर का नाम सुना है ना? नहीं सुना है? अभी तो बोला मैंने, अब तो सुन लिया ना, सटल वेक्टर सुन लिया, तो अब बोलो कि सुन लिया, सुन लिया, तो सटल वेक्टर का तो नाम सुन लिया ना। ये ऐसे वेक्टर्स हैं जो मोर देन वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म में यूज किए जाते हैं, तभी इनको नाम भी दे देते हैं सटल वेक्टर। आगे मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा, समझ में आ रहा है? लेकिन बेसिकली अभी हम लोग इस पॉइंट पर हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग तरह के वेक्टर्स डिजाइन। ठीक है, यहां एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है, उसको भी समझना बेहद जरूरी है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड है कि हम डीएनए को कैसे सेल के अंदर ले जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर भी हमारे लिए इजी कर दे, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या बैक्टीरिया एनवायरमेंट से डीएनए का अपटेक कर सकता है? कौन सा प्रोसेस? ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा प्रोसेस कर सकता है? लेकिन क्या प्लांट और एनिमल सेल ऐसा करते हैं? जनरली तो नहीं करते, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या कंजुगेशन के थ्रू एनिमल और प्लांट में डीएनए ट्रांसफर हो सकता है? ट्रांसफर हो सकता है? नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए वेक्टर किस सोर्स के डीएनए से वेक्टर डिजाइन होगा, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि टाइप ऑफ वेक्टर को पढ़ाना हमारे लिए आसान है, मैं भी पीबीआर पर पहुंच जाता और आपको पढ़ाता। बैक्टीरिया के लिए हम कौन से वेक्टर डिजाइन कर सकते हैं या किस सोर्स के डीएनए से वेक्टर बना सकते हैं, तो एक पॉइंट को ध्यान देना है, हम उन सोर्स या उन ऑर्गेनिज्म के डीएनए को हम एज ए वेक्टर यूज कर सकते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बैक्टीरिया, ईस्ट, एनिमल या प्लांट को इन्फेक्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ई कोलाई को इन्फेक्ट करता था बैक्टीरियोफाज लेमडा। लेमडा किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया ई कोलाई को। किसको? ई कोलाई को। तो यदि बैक्टीरियोफाज लेमडा के डीएनए को एज ए वेक्टर यूज किया जाए तो ई कोलाई में जा सकता है? नहीं जा सकता है। प्लाज्मिड वेक्टर कहां सर्वाइव कर सकते हैं? बैक्टीरिया में। तो प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर कहां हम लोग यूज कर सकते हैं? बैक्टीरिया में, समझ में आ रहा है? लेकिन क्या प्लाज्मिड एनिमल सेल्स में यूज कर सकते हैं? बताइए, क्या एनिमल सेल्स में प्लाज्मिड यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। एनिमल में जो भी प्लाज्मिड यूज होंगे वो जनरली वायरस बेस्ड होंगे। किस पर बेस्ड होंगे? वायरस ही तो हम लोगों को इजीली इन्फेक्ट करते हैं हमारी सेल्स, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो जब हम लोग आते हैं कि हम बैक्टीरिया के लिए कौन से प्लाज्मिड यूज करेंगे, ईस्ट के लिए कौन प्लाज्मिड यूज करेंगे, एनिमल के लिए कौन से प्लाज्मिड होंगे, ठीक है, सॉरी कौन से वेक्टर्स होंगे एनिमल के लिए और प्लांट के लिए कौन से वेक्टर्स होंगे, तो हमें इस पॉइंट पर ध्यान देना है, क्या कोई ऐसे बैक्टीरिया या वायरस हैं जो किसी पर्टिकुलर प्लांट को इजिली इन्फेक्ट कर लेते हों और वहां पर वो सर्वाइव भी कर जाते हों, वहां पर सर्वाइव भी। मैंने एक दिन आपको डिस्कस किया
कि फॉरेन डीएनए को डिग्रेड कर देते हैं जब किसी बैक्टीरिया में या किसी भी सेल में कोई भी फॉरेन डीएनए आता है। आप जानते हैं एनिमल सिस्टम की बात करें, इम्यूनोलॉजी में आपने पढ़ रखा है टॉल लाइक रिसेप्टर्स के बारे में, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को डिटेक्ट कर लेना, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए को डिटेक्ट कर लेना, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डिटेक्ट करना और उन्हें डिस्ट्रॉय करना, एमआईआरएनए एसआईआरएनए। तो हमें ऐसा भी तो देखना होगा कि कौन से डीएनए हैं जो एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल में सर्वाइव कर सकते हैं, उन्हीं डीएनए का तो हम वेक्टर डिजाइन करेंगे ना। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वेक्टर को जब डिजाइन करते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं कि ऐरा गहरा डीएनए उठाया और वेक्टर बना दिया और बोले जाओ लेकर के, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यदि हमें ई कोलाई का वेक्टर डिजाइन करना है तो हमें ऐसे डीएनए को ही वेक्टर के लिए सिलेक्ट करना होगा जो ई कोलाई सेल में सर्वाइव कर सकता हो। समझ में आ रहा है? यदि ई कोलाई सेल में वो सर्वाइव नहीं कर सकता है तो वो हमारे लिए वेक्टर नहीं है। आप वेक्टर बना भी देंगे और ई कोलाई में इंट्रोड्यूस करेंगे तो वहां वो डिग्रेड कर दिया। समझ में आ रहा है? तो ऐसा करने के लिए कोई हमारे पास बड़ा क्वेश्चन नहीं कि हमें हिमालय पर जाना है ढूंढने के लिए। हमें यही तो देखना है ई कोलाई को कौन कौन से वायरस इन्फेक्ट कर लेते हैं, कौन से प्लाज्मिड ई कोलाई में सर्वाइव कर जाते हैं, उन्हीं को तो वेक्टर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, लेकिन जो ई कोलाई के लिए हो सकते हैं तो क्या वो दूसरे बैक्टीरिया में आप यूज कर सकते हो? उनके लिए तो फॉरेन हो जाएंगे, उनको पहचान करके वो क्या करेंगे, डिग्रेड कर देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो मैं हम लोग इस पॉइंट पर हैं कि क्या बैक्टीरिया में यूज होने वाले प्लाज्मिड सभी में इक्वली अप्लीकेबल होंगे? तो आंसर है नहीं, सभी में इक्वली अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, बैक्टीरिया में आप जानते हैं ई कोलाई एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है। ई कोलाई क्या है? एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है रिसर्च में। तो क्वेश्चन ये है, क्या ई कोलाई में हम लोग प्लाज्मिड वेक्टर्स यूज कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो वो प्लाज्मिड कौन से हैं, कौन से वेक्टर्स हैं? क्या वायरस बेस्ड वेक्टर्स यूज कर सकते हैं या आर्टिफिशियल वेक्टर्स यूज कर सकते हैं या नहीं यूज कर सकते? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, बैक्टीरिया के लिए कौन से वेक्टर होंगे? हम लोग उस पॉइंट पर हैं, यहीं से टाइप्स ऑफ वेक्टर की भी स्टडी करें। ठीक है, तो ये क्लोनिंग वेक्टर फॉर ई कोलाई पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, क्लोनिंग वेक्टर पढ़ने वाले हैं। और ये वेक्टर किसमें यूज किए जाएंगे? ई कोलाई में। किसमें यूज किए जाएंगे? ई कोलाई के लिए आज की डेट में कौन से वेक्टर्स यूज किए जा रहे हैं हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। दूसरे बैक्टीरिया में कौन से वेक्टर्स यूज किए जाते हैं उसको लास्ट में डिस्कस करें। ठीक है, तो ई कोलाई के लिए हम लोग कौन से वेक्टर्स यूज करते हैं, दूसरा पॉइंट ये समझ लें। यही मॉडल ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट ऑफ वेक्टर ई कोलाई के लिए ही डिजाइंड है आज की डेट। समझ में आ रहा है? दूसरे वेक्टर कौन से दूसरे बैक्टीरिया के लिए होंगे आगे आपको बताएंगे। ठीक है, तो ऐसे वेक्टर जो ई कोलाई में यूज किए जा सकते हो वो वेक्टर कौन कौन से हैं और किस सोर्स ऑफ डीएनए पर वो बेस्ड हैं? ठीक है, ई कोलाई में हम लोग तीन तरह के वेक्टर्स यूज कर सकते हैं, पहला प्लाज्मिड बेस्ड, दूसरा वायरस बेस्ड, तीसरा आर्टिफिशियल बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। नाम सुना है ना, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर यूज कर सकते हैं, वायरस बेस्ड यूज कर सकते हैं और तीसरा बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम यूज कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग कॉस्मिट पढ़ेंगे, फॉस्मिट पढ़ेंगे एंड फॉस्मिट पढ़ेंगे। ये क्या है? नाम सुना होगा ना, कॉस्मिड, फॉस्मिड एंड फॉस्मेट, इनके बारे में जानेंगे ये वेक्टर्स क्या हैं। ठीक है, तो ई कोलाई में तीन तरह के वेक्टर्स यूज किए जाते हैं, कौन कौन से? प्लाज्मिड बेस्ड, जैसे PVR 322, PVR 327, PUC सीरीज के वेक्टर्स ये प्लाज्मिड बेस्ड हैं। किस पर बेस्ड हैं? प्लाज्मिड। वायरस बेस्ड में बैक्टीरियोफाज लेमडा बेस्ड होंगे, लेमडा बैक्टीरियोफाज पर बेस्ड होंगे। और बैक्टीरियोफाज लेमडा पर दो तरह के वेक्टर्स हैं, एक है इंसर्शन एंड सेकेंड वन इज रिप्लेसमेंट। तो बैक्टीरिया ई कोलाई के लिए प्लाज्मिड का वेक्टर यूज कर सकते हैं, बैक्टीरियोफाज लेमडा के वेक्टर्स यूज कर सकते हैं। बैक्टीरियोफाज लेमडा से दो तरह के वेक्टर डिजाइन हुए हैं, एक को इंसर्शन कहते हैं, दूसरे को रिप्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, और जो दूसरा वायरस है वो M13 बैक्टीरियोफाज है।
कौन सा है? ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। कैसा वायरस है? इससे हम सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्लोन किया जा सकता है? तो आपका आंसर है यस, किया जा सकता है। किसके थ्रू कर सकते हैं? M13 बैक्टीरियोफाज के थ्रू क्या कर सकते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रोड्यूस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इसके अलावा वेक्टर नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूं ये बाउंड्रीज डिसाइड हो चुकी, नहीं तो वेक्टर पढ़ते रहते हैं लोग, डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि वेक्टर किसके लिए। तो ई कोलाई के लिए तीन सोर्सेस पर ही वेक्टर बेस्ड है, प्लाज्मिड पर, वायरसेस पर। वायरसेस में किस पर? बैक्टीरियोफाज, लेमडा और M13। M13 किसके लिए हो गया? सिंगल स्टैंडर्ड। आधा क्वेश्चन तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और देन बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ये तो माइनर माइनर चेंजेस हैं प्लाज्मिड और फाज को लेकर के, उनके कुछ यूजफुल कैरेक्टर्स को एक साथ रख करके हम लोगों ने कॉस्मिड, फॉस्मिड और फॉस्मिड बना लिए। कोई समस्या यहां तक? ठीक है। प्लाज्मिड बेस्ड वेक्टर क्या है? पीबीआर सीरीज के हैं। किसके हैं? और पीयूसी सीरीज के जो वेक्टर्स हैं वो किस पर बेस्ड हैं? प्लाज्मिड बेस्ड। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लोनिंग वेक्टर। अभी तक जो मैं आपको पढ़ा रहा था उसमें केवल आपको इन क्वेश्चंस का आंसर मिला है, वेक्टर्स किसे कहते हैं और एक आइडियल वेक्टर के क्या कैरेक्टर होने चाहिए और प्लाज्मिड क्या होते हैं। समझ में आ रहा है? लेकिन जो आप एग्जांपल्स पढ़ेंगे वेक्टर्स में, उसमें पहला एग्जांपल आप पढ़ने वाले हैं PVR-322। ये एक्चुअल में आप वेक्टर पढ़ रहे हैं। ये PVR-322 एक आइडियल वेक्टर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक आइडियल वेक्टर है स्टूडेंट की स्टडी के लिए। ये पहला वेक्टर है जो डिजाइन किया गया। समझ में आ रहा है? मोस्ट फेमस वेक्टर है ये जिसको आप स्टडी करते हैं। आज के समय में ये उतना बेहतर नहीं है। जैसे ट्रेन का जो पहला इंजन बनाया गया था आज की डेट में तो नहीं चलता है, क्योंकि बहुत सारे एडवांस इंजन आ गए। समझ में आ रहा है? लेकिन आप समझ रहे हैं कि उसके बनने से ही दूसरे इंजनों के बनने का रास्ता, ठीक है, खुला। बहुत सारे बंद था क्या पहले? जाम लगा था, आइडिया नहीं था। हाँ देखिए, ये इनका पॉइंट बिल्कुल सही है। आप लोग समझ रहे होंगे कि इस वेक्टर को डिजाइन करने से ही तो और आइडिया डेवलप हुए ना। तो कौन सा वेक्टर आप पढ़ने चल रहे हैं? PVR-322। ठीक है, अब इसको नाम PVR ही क्यों दिया, ये भी एक क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऐसा तो है नहीं कि कोई भी वेक्टर ढूंढ लिया, बोले गिरधारी लाल वेक्टर मथुरा वाले। हाँ हाँ बिल्कुल, और क्या। तो इनको नाम कैसे देते हैं, इसका नाम भी कैसे पड़ा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास कोई एक किसी एग्जाम का पेपर लेकर के आए थे, उसमें इस वेक्टर में पीवीआर को लेकर के क्वेश्चन था। समझ रहे हैं कि कौन पीवीआर को लेकर के क्वेश्चन पूछा गया था, उसके इसके नोमेनक्लेचर से क्वेश्चन। ठीक है, वन PVR-322 वॉज द फर्स्ट वेक्टर दैट डेवलप्ड बाई एफ बॉलिवर एंड आर रोड्रिगेस। ठीक है, तो ये जो बी है वो ये वाला बी है, ये जो रोड्रिगेस का आर है वो ये आर है, और ये बेस किस पर है? प्लाज्मिड पर। समझ में आ रहा है? तो ये पी स्टैंड कर रहा है किसके लिए? प्लाज्मिड के लिए। तो पहला वेक्टर जो डेवलप किया किसने? बॉलिवर एंड रोड्रिगेस ने। ध्यान रखेंगे, PVR-322 इज वन ऑफ द बेस्ट स्टडीड एंड मोस्ट ऑफन यूज्ड जनरल पर्पस प्लाज्मिड वेक्टर। सबसे ज्यादा स्टडी किया जाने वाला और जनरल पर्पसेस में आप कह सकते हैं लैब में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वेक्टर कौन है बताइए। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये तो ठीक है कि बेस्ट स्टडीड वेक्टर है, सबसे ज्यादा स्टडी किया गया क्योंकि सबसे पहले डेवलप हुआ, इसके बाद में दूसरे और एडवांस वेक्टर डेवलप हुए तो सबसे ज्यादा स्टडी किया गया। ठीक है, लेकिन इससे बेहतर वेक्टर भी आज है। लेकिन ये वेक्टर आप इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि जब आप इस वेक्टर को पढ़ते हैं
तो एक वेक्टर के क्या करेक्टर होने चाहिए, एक वेक्टर के क्या करेक्टर होने चाहिए, इसका आंसर एक स्टूडेंट को मिलता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट आंसर यह मिलता है कि एक वेक्टर को और कैसे एक बेहतर वेक्टर में बदला जा सकता है, इन क्वेश्चंस का आंसर भी आपको इससे मिलता है। समझ में आ रहा है? तो जब पीबीआर आप पढ़ते हैं तो आपको दोनों चीजें मिल रही हैं, एक तो आपको हिस्ट्री भी पता चल रही है कि वेक्टर कैसे डेवलप हुआ, और दूसरा आप एक बेहतर वेक्टर कैसे डिजाइन कर सकते हैं, एक बेहतर वेक्टर के और क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, इन दोनों का आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्योंकि पहले डेवलप हुआ और एक लैंडमार्क रहा हमारी साइंस में, तो हम लोग उसी सम्मान के साथ इसको पढ़ते भी हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, वॉटसन क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया, आज की डेट में तो और भी बहुत सारे करेक्टर्स पता है, तो ऐसा तो नहीं वॉटसन क्रिक के करेक्टर को फेंक दिया, ये पुराने लोग हैं, हटाओ अब नया पढ़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इट इलस्ट्रेट्स वेरी वेल द इंपॉर्टेंस एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर। जब हम लोग इसको स्टडी करते हैं तो किसी क्लोनिंग वेक्टर की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए इसको इलस्ट्रेट करता है। ठीक है, और उसमें हम क्या चेंजेस करके और बेहतर वेक्टर डिजाइन कर सकते हैं। ऑल्दो पीबीआर 322 लैक द मोर सोफिस्टिकेटेड फीचर्स ऑफ द न्यूवेस्ट क्लोनिंग वेक्टर्स एंड कंसिक्वेंटली इज नो लॉन्गर यूज एक्सटेंसिवली इन रिसर्च। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए, कौन सा वेक्टर पढ़ रहे हैं बताइए? 322। ठीक है मनोज, क्वेश्चन ये तो नहीं है कि पहले तो एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, ये 322 तक गिनते हुए कैसे पहुंचा, रुका ही नहीं क्या? जब तक रुकने का प्रयास किया तब तक वो यहां तक गिनती पढ़ चुका था। चलिए सभी लोग नॉमेनक्लेचर में देखिए, पी स्टैंड कर रहा है किसके लिए? प्लाज्मिड के लिए। बी आर स्टैंड कर रहा है उन साइंटिस्ट के लिए जिन्होंने इसे क्या किया, डेवलप किया। रिकॉग्नाइजेस द वर्क ऑफ द रिसर्चर्स, ठीक है, बॉलीवर एंड हु डेवलप्ड पीबीआर 322। ठीक है, और ये 322 जो नंबर है ये किसको स्पेसिफाई कर रहा है? दिस प्लाज्मिड फ्रॉम द अदर्स डेवलप इन सेम लेबोरेटरी, सेम लैब में इससे पहले इतने प्लाज्मिड और डिजाइन हो चुके थे। समझ में आ रहा है? इसका कौन सा नंबर था? समझ में आ रहा है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उतने ही, जब डिजाइनिंग शुरू की गई तो बनाए गए ना, अब वो प्रोडक्टिव रहे या नहीं रहे, ठीक है, वो उतने बेहतर थे या नहीं थे, क्या वो फंक्शनल थे या नहीं थे, ये क्वेश्चन अलग हो गया। किस पोजीशन पर डिजाइन किया गया? 322। तो किसी भी प्लाज्मिड जो नंबर दिया होता है जनरली वो नंबर ये स्पेसिफाई करता है कि ये पोजीशन थी उसकी उस लैब में डेवलप होने की, अर्थात इस नंबर पर ये पर्टिकुलर वेक्टर डेवलप किया गया। समझ में आ रहा है? तो पीस किसके लिए है ये ध्यान रखना है, बी आर को साइंटिस्ट के नाम, यही क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पीबीआर में जो बी आर है वो किसके लिए स्टैंड करता है, इस तरह का क्वेश्चन था। आगे बढ़ा जाए, चलिए अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो वेक्टर्स यहां पीबीआर आप पढ़ रहे हैं ये पीबीआर बैक्टीरिया में हूबहू ऐसा मिल गया या फिर इसे बनाया गया? बताइए, जैसे आप घर देखते हैं, जैसे हम लोग इसी रूम में बैठे हुए हैं, या आप घर देखते हैं, घर बना बनाया मिल जाता है, कोई पिता गया बाहर जंगल की तरफ, बना बनाया घर मिल गया, उठा लाया झोले में और रख लिया, बताइए, या घर बनाना पड़ता है, तो बनाने से पहले डिजाइन करना पड़ता है, क्यों चंदका? काफी डिस्कशन चल रहा है, किसी को मिल गया हो घर, पड़ा पड़ाया मिल गया हो तो मुझे बताया कि हाँ, वो चिड़ियों के घर आजकल रोड पर किनारे बेचा करते हैं कुछ लोग। जिसमें क्वेश्चन पर हूं ध्यान से समझिएगा, पीबीआर 322 की हम लोग प्रॉपर्टीज अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अलग अलग डीएनए मॉलिक्यूल से यूजफुल प्रॉपर्टीज, यूजफुल कंपोनेंट को अलग किया गया। समझ में आ रहा है?
डिफरेंट डिफरेंट डीएनए मॉलिक्यूल से उनकी यूजफुल प्रॉपर्टीज को अलग किया गया और देन उनको एक साथ लाया गया और एक सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, इस तरीके से क्या प्रोड्यूस हुआ, पीबीआर 322। मेरे बोलने में एक मिनट से ज्यादा का समय नहीं लगा है, समझ में आ रहा है, लेकिन ऐसा करने के लिए सालों का वर्क लगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, बहुत सारा वर्क किया गया तब यूजफुल करेक्टर एक साथ ला पाए। तो आप इस चीज को ध्यान रखेंगे कि वेक्टर को डिजाइन किया जाता है, वो बना बनाया हमें बैक्टीरिया में या वायरस में नहीं मिल रहा है, बल्कि हम अलग अलग सोर्सेस से डीएनए के अलग अलग कंपोनेंट को, पोर्शंस को आइसोलेट करते हैं और उन्हें एक साथ लाते हैं, जिससे हम एक बेहतर वेक्टर को डिजाइन कर सके, समझ में आ रहा है। ठीक है, यदि हम लोग इस वेक्टर में जाएंगे, पीवीआर 322 में जाएंगे, तो दो सेलेक्टिव मार्कर्स हैं, एक एम्फिसिलिन जीन का है, इसका है, एक एम्फिसिलिन का है और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन का, एम्फिसिलिन और, यदि एम्फिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन दो जीन हैं, तो ये जीन तो आर प्लाज्मिड में मिलेंगे। अरे भाई, आर प्लाज्मिड में तो आपने आज पढ़ा कि रेजिस्टेंस जीन कहां मिलते हैं, आर प्लाज्मिड में। तो पीवीआर 322 में दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है। क्वेश्चन तो ये उठता है कि इन जीन को कहां से लाए, कहां से लाए, मेरे पास आंसर आ रहा है, वो कानपुर से, एक सर वो परेड से खरीद रहे, डीएवी कॉलेज में, मनोज वहां पढ़ते रहे तो मतलब वहां सब कुछ मिल जाता है डीएवी कॉलेज के आसपास प्लाज्मिड का, बताइए। तो देखिए जरा, दो अलग अलग प्लाज्मिड, एक कौन सा आर वन, किसको लेकर के आए, एम्फिसिलिन को, किससे लिया, डेराइव्ड फ्रॉम प्लाज्मिड आर वन, टेट्रासाइक्लिन भी आर प्लाज्मिड से होगा, लेकिन ये कौन सा है, आर 65 प्लाज्मिड से डेरिवेटिव डेराइव्ड है, समझ में आ रहा है। ठीक है, इसकी जो रेप्लीकेशन ओरिजिन साइट है, रेप्लीकेशन ओरिजिन साइट है, वो डेराइव्ड है कॉल ईवन से, किसे, कॉल ईवन से। तो आप देख सकते हैं तीन अलग अलग प्लाज्मिड तो यही है। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, चलिए यहां पर आते हैं, फिर पलट के इन क्वेश्चंस को फिर देखेंगे। पीवीआर 322 की प्रॉपर्टीज क्या हैं, हम लोग इस पॉइंट पर हैं, पीवीआर 322 की प्रॉपर्टीज क्या हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, ये पीवीआर 322 है, कौन सा प्लाज्मिड है, ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये इसका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, कौन सा जीन है, ये इसका एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, ये इसकी रेप्लिकेशन इको आर वन के लिए ये साइट है, और जो हिंथर्ड बैम एच वन, ठीक है, सेल वन, इनकी जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं वो विद इन टेट्रासाइक्लिन जीन है, किसमें है, टेट्रासाइक्लिन, पीएसटी वन, और भी जीन्स, और भी रिस्ट्रिक्शन साइट, पीएसटी वन किसमें है, एम्फिसिलिन, जो इको आर वन की रिस्ट्रिक्शन साइट है वो ना तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन में है ना ही एम्फिसिलिन। तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, आइडियल स्ट्रक्चर है, किसका, पीवीआर 322 का। ठीक है, 4361 बिस्पियर, ठीक है, कुछ बुक्स में 4363 भी लिखा हो, समझ में आ रहा है, तो 4361 4361 बेस पेयर लॉन्ग ये वेक्टर है, समझ में आ रहा है। अब ये देखिए, यहां पर कौन सा जीन है, टेट्रासाइक्लिन, वहां पर कौन है, एम्फिसिलिन। यदि इस वेक्टर में टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन जीन प्रेजेंट है, तो इन जीन्स का भी तो सोर्स रहा होगा, तो ये किससे लिया, एम्फिसिलिन आर वन प्लाज्मिड से, ये किससे लिया, 65 प्लाज्मिड से, आर 65 से लिया। ठीक है, ये जो रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट है वो किसका है, कॉल ईवन का है, इसका है, कॉल ईवन का है, ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, जो अलग अलग प्लाज्मिड से आइसोलेट करके एक साथ लेकर के आए। ठीक है, तो ये स्टेप्स ये लैब में बनाए गए मल्टीपल प्रोसीजर्स के बाद इन इस पीवीआर 322 को डिजाइन किया गया।
समझ में आ रहा है, इसी की तो प्रॉपर्टीज की बात हम लोग करने चल रहे हैं। ठीक है, पहला क्या है, स्मॉल साइज है, एक आइडियल वेक्टर का साइज 10,000 बेस पेयर से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। कितने बेस पेयर है? साइज कम है, ध्यान रखेंगे। लगभग ये 6,000 बेस पेयर का डीएनए मैनेज कर सकता है, फॉरेन डीएनए को मैनेज कर सकता है। 6 KB एडिशनल डीएनए इज मैनेजेबल साइज। इसका साइज है कितना, और इस पर लगभग 6,000 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए को ऐड किया जा सकता है। वैसे आइडियली 1,000 से 5,000 बेस पेयर का डीएनए प्लाज्मिड कैरी कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कौन कौन से हैं? एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन, दो जीन है एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन। इनको हम लोग यूज कर सकते हैं एज ए सेलेक्टिव मार्कर। जो एंटीबायोटिक जीन्स हैं उनको सिलेक्शन में यूज करेंगे। सेलेक्टिव मार्कर्स के लिए दो जीन है, कौन कौन से? एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन जीन, ध्यान रखोगे ना? ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये इस प्लाज्मिड को कैपेबल बनाएगा कि ये रेप्लिकेट कर सके विद इन होस्ट सेल। होस्ट सेल में क्या कर सके? रेप्लिकेट कर सके। ठीक है, कॉपी नंबर देखते हैं इसका, क्योंकि क्लोनिंग वेक्टर है तो इसका कॉपी नंबर कितना है बताइए? नॉर्मली कितनी कॉपीज? 15 कॉपीज, लेकिन स्टिमुलेट कर दिया जाए तो कितनी कॉपीज इंक्रीज? अप टू बिटवीन 1,000 to 3,000। तो नॉर्मली इसकी 15 कॉपीज आपको मिलेंगी नॉर्मल कंडीशन, लेकिन इसको स्टिमुलेट किया जाए तो लगभग कितनी कॉपीज? 3,000 कॉपीज इसकी प्रोड्यूस की जा सकती है, ये ध्यान रखेंगे। अब आते हैं रिस्ट्रिक्शन साइड। रिस्ट्रिक्शन साइड का मतलब हो गया क्लोनिंग साइट्स, वो साइट जहां पर फॉरेन डीएनए को क्या कर सकते हैं? इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जब वेक्टर्स को डिजाइन किया तो फॉरेन डीएनए को हम कहां इंसर्ट करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। ठीक है, और सिलेक्शन कैसे करेंगे, यहां पर ध्यान देना है। यदि टेट्रासाइक्लिन जीन को आप देखेंगे तो टेट्रासाइक्लिन जीन पर आपको जो इंडोन्यूक्लियेजेस हैं उनकी रिस्ट्रिक्शन साइट्स नजर आ रही, जैसे बैम एच वन से यदि हम लोग इस वेक्टर को ट्रीट करें तो यहां पर क्या होगा? कट लगेगा। जैसे ही कट लगेगा तो ये डीएनए यहां से ओपन हो जाएगा, समझ में आ रहा है? और इसी ओपन एंड्स पर हम लोग अपने फॉरेन डीएनए को क्या करेंगे? इंसर्ट कर देंगे। यदि ऐसा होता है तो ये टेट्रासाइक्लिन जीन इंटरप्ट हो जाएगा और ये न्यूट्रल हो जाएगा। क्या होगा? अरे भाई, जीन बीच से ब्रेक हो गया ना, और इसके बीच में क्या आ गया? फॉरेन डीएनए आ गया, तो ये जीन क्या होगा? इंटरप्ट हो गया। समझ में आ रहा है? कौन सा एंजाइम यूज किया? यदि इंटरप्ट हो गया, इसका मतलब जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसमें टेट्रासाइक्लिन का फंक्शन नहीं मिलेगा, वो टेट्रासाइक्लिन सेंसिटिव हो जाएगा, वो रेजिस्टेंस हो नहीं करेगा, और ये हमें बताएगा इस डीएनए को, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को डिस्क्रिमिनेट कर देगा नॉन रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है इसमें कई लोगों को ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, बताइए, कम समझ में आई? जिनको समझ में नहीं हुई कुछ नहीं बोल रहे, तो फिर समझ लीजिए। ये जीन्स हैं, इन जीन्स को हम लोग यूज करेंगे एज ए सेलेक्टिव मार्कर। ये बताएंगे, चिल्लाने थोड़ी लगेंगे देख करके तुमको कि भैया मैं यहां बैठा हूं, मुझे देख। सेलेक्टिव मार्कर का मतलब है हमें करेक्टर्स को जानना होगा। जब इस वेक्टर को ये नॉन रिकॉम, आप देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एक वेक्टर है नॉन रिकॉम्बिनेंट है, इसमें फॉरेन डीएनए नहीं लगा है। यदि हम लोग इसको बैक्टीरियल सेल में इंट्रोड्यूस कर दें तो एम्फिसिलिन जीन और टेट्रासाइक्लिन जीन दोनों एक्सप्रेस होंगे, दोनों को प्रोडक्ट बैक्टीरिया को, ठीक है, कैपेबल बना देंगे कि वो रेजिस्टेंस हो करेगा एम्फिसिलिन से और टेट्रासाइक्लिन। ध्यान दीजिएगा, ये जो सेलेक्टिव मार्कर जीन होते हैं इन्हीं सेलेक्टिव मार्कर्स में हमें किसे इंसर्ट करना है? डिजायर्ड डीएनए को। बैम एच वन का जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो किसमें है? यदि हम लोग बैम एच वन से इसको ट्रीट करें तो क्या होगा? डीएनए यहां कट हो जाएगा, नहीं होगा। देन जब कट होगा तो ये डीएनए ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यही तो होगा ना?
इसी जगह पर हम लोग क्या करते हैं, जो डिजायर्ड डीएनए है उसे सेट कर देते हैं, उसे लाइगेट कर देते हैं। लाइगेट कर दिया ना, ऐसा करने से जो टेट्रासाइक्लिन जीन है वो क्या हो गया, इंटरप्ट हो गया और ये बन गया आरडीएनए। क्या बन गया? ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन ऐसे डीएनए जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं है, कैसे नहीं है, रिकॉम्बिनेंट, अब दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है, जो नॉन रिकॉम्बिनेंट है उनमें दोनों जीन फंक्शनल होंगे, टेट्रासाइक्लिन भी और एम्फिसिलिन भी, जबकि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसमें केवल और केवल डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना। इस बेसिस पर इन पीवीआर जो वेक्टर्स होते हैं इनको सिलेक्टिव मार्कर्स में इस तरह से हम यूज करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन कर लेंगे। समझ में आ रहा है? पीएसटी वन को जरा देखो, पीएसटी वन का जो रिस्ट्रिक्शन साइट है वो किसमें है, एम्फिसिलिन। सेम कॉन्सेप्ट, वहां यदि एम्फिसिलिन यूज करेंगे, सॉरी पीएसटी वन को यूज करेंगे तो एम्फिसिलिन का जीन क्या होगा, इंटरप्ट हो जाएगा। ये तो हमें पता है कि हम कौन सा एंजाइम यूज करेंगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है ना। समझ में आ रहा है? बस आपको ये जानना है कौन सी रिस्ट्रिक्शन साइट कौन से जीन में प्रेजेंट है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो रिस्ट्रिक्शन साइट्स का मतलब हो गया क्लोनिंग साइट, दो सेट ऑफ क्लोनिंग साइट्स हैं। इको आर वन दोनों जीन में नहीं है, इको आर वन दोनों जीन में नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हैज यूनिक बैम एच वन हिन थर्ड सेल वन रिकॉग्निशन साइट्स विद इन दी टेट्रासाइक्लिन जीन। टेट्रासाइक्लिन जीन में बैम एच वन हिन थर्ड और सेल वन रिकॉग्निशन साइट्स हैं, ध्यान रखेंगे। देखिए हिन थर्ड, बैम एच वन और सेल वन, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ आते हैं, पीएसटी वन पीवीयू वन एंड इसके वन रिस्ट्रिक्शन साइट्स विद इन दी एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, जबकि स्ट्रक्चर में केवल और केवल किसके लिए है, पीएसटी वन के लिए है, ये ध्यान रखेंगे। कॉपी नंबर आपको पता ही है कितना है, और लगभग कितना डीएनए मैनेज कर सकते हैं, 6 KB का, कितना डीएनए, 6 KB का डीएनए मैनेज कर सकते हैं। नहीं समझ में आया, पीवीआर वेक्टर का साइज कितना है, 4361 बेस पेयर का साइज है, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन एंड एम्फिसिलिन। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस जीन में मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स हैं, समझ में आ रहा है। यदि हम टेट्रासाइक्लिन जीन को देखेंगे तो हिन थर्ड, बैम एच वन और सेल वन के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट है ना, उसी तरह से एम्फिसिलिन में भी क्या है, रिस्ट्रिक्शन साइट है। किसी भी रिस्ट्रिक्शन साइट के लिए, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का आप यूज कर सकते हैं किसी भी सेट का। यदि आप बैम एच वन यूज करेंगे, ऐसा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस जो किसको कट करता है, बैम एच वन, तो कौन साइलेंट कौन सा जीन इंटरप्ट हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, उसी तरह से एम्फिसिलिन के लिए। ठीक है, इसकी जो रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट है वो कॉल वन प्लाज्मिड की है, और नॉर्मल कंडीशन में इसका कॉपी नंबर 15 के अराउंड मेंटेन रहता है, लेकिन इसको स्टिमुलेट किया जाए तो कॉपी नंबर 1000 से 3000 हो सकता है। ठीक है, इस तरह से ये हमारे लिए एक आइडियल क्लोनिंग वेक्टर है जो सबसे पहले डेवलप किया। तो ये पीवीआर के कैरेक्टर आप लोग ध्यान रखेंगे, किसमें यूज कर सकते हैं, इकोलाई में, किसमें, इकोलाई में। ठीक है, अब एक वेक्टर और है क्लोनिंग वेक्टर, पीवीआर 327, कौन सा है, 327 है, पीवीआर 327 है। 327 कैसे, 327 पीवीआर 322 का डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव है, पीवीआर 322 का डेरिवेटिव कौन है, 327। ठीक है, कैसे डेरिवेटिव है, पीवीआर 322 से वन जीरो एट नाइन बेस पेयर्स को रिमूव कर दिया, कितने बेस पेयर्स रिमूव कर दिए बताइए, अरे 10, 8, 9, कितने रिमूव कर दिए, इतने बेस पेयर रिमूव कर दिया तो किसमें कन्वर्ट हो गया, नहीं समझ में आ रहा तो यहां अंग्रेजी में पढ़ो, द पीवीआर 327 वॉज प्रोड्यूस्ड बाई रिमूविंग, अब तो विश्वास हो गया होगा ना,
तो लोग जब तक पढ़ नहीं लेते तक विश्वास नहीं करते, ठीक है। और मैंने आपसे कहा कि दुनिया सब विश्वास पर ही चल रही है। चलिए 10-8-9 बेस पेयर सेगमेंट फ्रॉम पीबीआर 322। तो कौन सा वेक्टर आप पढ़ रहे हैं? 27। 327 प्रोड्यूस किया गया 322 से, कितने बेस पेयर्स निकाल दिए? ये वो बेस पेयर्स निकाल दिए जो अनयूजुअल थे, जिनका कोई रोल नहीं था। साइज बढ़ गया या छोटा हो गया? बताओ, बेहतर बन गया या बताइए? छोटा होगा, सेल में ज्यादा स्पेस मिलेगा, नंबर भी बढ़ा लेगा, नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? दिस डिलीशन लेफ्ट दी एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन जीन इंटैक्ट। कैसी हैं? इंटैक्ट, बट चेंज इन दी रेप्लिकेटिव एंड कॉन्जुगेटिव एबिलिटीज ऑफ द रिजल्टिंग प्लास्मिड। जब इन 10-8-9 बेस पेयर्स को हटाया तो ये बेस पेयर्स जो रिमूव किए गए हैं, ये रिमूवल टेट्रासाइक्लिन जीन और एम्फिसिलिन जीन से नहीं किया गया है, बल्कि ये जो डिलीशन है वो रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स के अराउंड से किया गया है। कहां से? रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट्स के अराउंड। रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट को डिलीट नहीं किया, उसके अराउंड से अनयूजुअल पोर्शन को क्या किया? हटा दिया। इसके हटाने से दो एडवांटेज हो गए, पहला एडवांटेज तो ये आया कि इसका साइज कैसा हो गया? छोटा हो गया। समझ में आ रहा है? और इसका कॉपी नंबर जो भी नॉर्मली 15 कॉपीज थी 322 की, उससे बढ़ करके ज्यादा हो जाएंगी। समझ में आ रहा है? ये कॉपी नंबर क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। जरा देखिए कितनी कॉपी हो गई है। समझ में आ रहा है? लगभग 3 गुना कॉपी क्या हो गई, बढ़ गई। समझ में आ रहा है? तो जब इस पोर्शन को डिलीट करते हैं तो क्या टेट्रासाइक्लिन और एम्फिसिलिन जीन्स रिमूव हो गए? तो आपका आंसर है नहीं, इंटैक्ट है। इससे आपको आइडिया है कि पीबीआर 327 का स्ट्रक्चर क्या है। जैसा पीबीआर 322 बना रहे हैं वैसा ही 327। आपको बहुत बड़ा बदलाव नहीं करना है। नंबर ऑफ बेस पेयर कितने कम किए हैं और आप 4361 से जो है माइनस कर देंगे तो निकल आएगा नंबर। तो मैं वो लिखने नहीं जा रहा हूं कि इसमें इतने बेस पेयर्स हैं, ये आपके पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे। इतने बेस पेयर्स को माइनस करके आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, पीबीआर 327 का साइज क्या है। समझ में आ रहा है? दो इंपॉर्टेंट चेंज हुए। पहला तो इसका कॉपी नंबर बढ़ गया। क्या बढ़ गया? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो पीबीआर 327 है, 322 है, ये एक कंजुगेटिव वेक्टर है। कैसा है? कंजुगेटिव, अर्थात इसके पास कंजुगेशन की एबिलिटी है। इसकी एबिलिटी है, और कंजुगेशन की एबिलिटी हमारे रिसर्च में प्रॉब्लम खड़ी कर देगा। समझ में आ रहा है? कैसे प्रॉब्लम खड़ी कर देगा? मान लेते हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं बहुत व्यवहारिक। चंद्रकांत लैब में वर्क कर रहे हैं, चूहे पर रिसर्च कर रहे हैं, चूहा उठाया और उनके हाथ से उसने छलांग मारा, भाग गया। अब बताओ ये चूहे को कहां ढूंढेंगे? वो भाग गया लैब से बाहर। अब बताइए, उस चूहे को ये कल कुछ केमिकल्स दे चुके थे, आज उसकी मॉनिटरिंग करनी थी, सैंपल कलेक्ट करना था, चूहा भाग गया। अब इनकी रिसर्च क्या हुई? वहां से खत्म। अब नया चूहा पकड़े, जम कर गया ना। अब जरा कंजुगेटिव प्लाज्मिड को जरा सभी लोग ध्यान दें कि कंजुगेटिव प्लाज्मिड में प्रॉब्लम क्या है। तो पीबीआर 322 एक कंजुगेटिव प्लाज्मिड है, और ये प्लाज्मिड या कंजुगेटिव वेक्टर है, इसके साथ एक प्रॉब्लम जुड़ा हुआ है। ये वेक्टर है, सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा वेक्टर है? पीबीआर, ठीक है। ये हमारा डिजायर्ड डीएनए है, इसके साथ लगा हुआ, ये बैक्टीरियल सेल में है, ठीक है। कुछ समय बाद एक बैक्टीरिया घूमते हुए और आ गया यहां पर, ये बैक्टीरिया आ गया, और जब ये यहां पर आ गया तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया? कंजुगेशन ट्यूब। क्या बन गया? कंजुगेशन ट्यूब। और ऐसी कंडीशन में ये प्लाज्मिड यहां से मूव करके इस बैक्टीरिया में, ये समझ में आ रहा है?
जब इस बैक्टीरिया में आ गया, मान लेते हैं इस बैक्टीरिया में यहां से मूव करके आ गया तो यहां तो खत्म हो गया, खत्म हो गया ना, ठीक है। और मैं इसको भी खत्म कर दे रहा हूं, ये बैक्टीरिया चला गया। आप तो नजर लगाए इसी पर बैठे हैं कि ये तुम्हारा रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया है और इसने अपना डीएनए दे दिया दूसरे को, वो चला गया। समझ में आ रहा है? तो ऐसे वेक्टर्स जिनके पास रिकॉम्बिनेशन की कैपेबिलिटी होगी वो हमारी रिसर्च में कब एज ए पैसेंजर उतर के चले जाएं पता नहीं चलेगा, और आप इसी अंदाजे में रहेंगे कि हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो सेल में प्रेजेंट है, टेस्ट ट्यूब में है, वो जा चुका है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एक कंजुगेटिव वेक्टर किसमें कन्वर्ट हो गया, नॉन कंजुगेटिव में, अर्थात पीबीआर 322 कैसा वेक्टर है, कंजुगेटिव है, लेकिन जब इसे बदला 327 में तो कैसा हो गया, नॉन कंजुगेटिव। जिस सेल में आप इंट्रोड्यूस कर देंगे उसी सेल में रहेगा। मेरा क्वेश्चन आप शायद समझ पा रहे होंगे कि रिकॉम्बिनेंट सेल बना, पीबीआर 322 रिकॉम्बिनेंट, ठीक है, एक सेल में पहुंच गया, सेल ट्रांसफॉर्म हो गई, लेकिन फिर भी उसके बाद में स्केप करने के चांस है, वो कंजुगेशन के थ्रू स्केप कर सकता है। इस प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिल गया। ये ध्यान रखेंगे, कौन कौन ध्यान रखेगा, दो तीन हाथ के उठे, इसके अलावा कोई हाथ नहीं उठा है, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी, हम तो गारंटी लिए नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि तुम पढ़ा रहे हो तुम जिम्मेदारी उठाओगे, हम याद रखें, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। एम्फिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन इंटैक्ट बट चेंज इन दी, बताइए, रेप्लिकेशन एंड कंजुगेटिव एबिलिटीज ऑफ द रिजल्टिंग प्लाज्मिड, दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द डेवलपमेंट ऑफ मोर सोफिस्टिकेटेड वेक्टर फॉर टू रीजंस। पीवीआर 327 हैज हायर कॉपी नंबर 3245 मॉलिक्यूल पर ई कोलाई सेल, जहां पर 15 कॉपीज थी, 15 कॉपीज पर सेल थी, वो इंक्रीज हो गई, बताइए 32, बताइए 2 से 3 गुना कॉपी नंबर क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। डिलीशन आल्सो डिस्ट्रॉय दी कंजुगेटिव एबिलिटी ऑफ 322 मेकिंग 327 ए नॉन कंजुगेटिव प्लाज्मिड दैट कैन नॉट डायरेक्ट इट्स ऑन ट्रांसफर टू अदर ई कोलाई सेल। तो दो प्लाज्मिड पढ़ लिए, दो वेक्टर्स पढ़ लिए, कौन कौन से, ठीक है, दोनों वेक्टर्स का साइज पता है, दोनों के रेजिस्टेंस जीन पता है, ठीक है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं, कौन सा स्ट्रक्चर, वैसे आप देख तो रहे हैं लेकिन सच्चाई ये होती है जो दिखाई पड़ता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाई नहीं पड़ता, ठीक है। जो जीन है ना, यदि आपको कभी स्ट्रक्चर बनाना है, कभी भी पीबीआर 322 का आइडियल स्ट्रक्चर बनाना है, तो आप एक इस तरह का सर्कुलर स्ट्रक्चर तो बना ही लेंगे, नहीं बना लेंगे, आपका अपने हाथों पर कमांड होगा, ऐसे करके खींच लेंगे, खींच लोगे, यहां इको आर वन लगा देना, इसको उसके नीचे रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट, यहां पर एक तरफ टेट्रासाइक्लिन और एक तरफ एम्फिसिलिन, यहां पर बैम एच वन हिन थर्ड और यहां पर पीएसटी वन के लिए रिस्ट्रिक्शन साइट मार्क कर लेना, ठीक है। किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, ठीक है, जब आप 327 में बदलना तो ये वाला एरिया थोड़ा छोटा कर लेना, ठीक है, और यहां पर जो नंबर है वो है 4361, और जब पीबीआर 327 लिखना तो इतने से 10, 8, 9 घटा देना। समझ में आ रहा है? इसको कंजुगेटिव है, और जब उसको लिखेंगे तो कहेंगे नॉन कंजुगेटिव, ठीक है, हाई कॉपी नंबर, दो ही, ठीक है, जो दो एडवांटेज थी 327 में उनको आपको ध्यान रखना है। एक एडवांटेज कौन था, कॉपी नंबर, क्लोनिंग वेक्टर है तो कॉपी नंबर की इंपॉर्टेंस है, कॉपी नंबर बढ़ गया, और दूसरा इसकी जो कंजुगेटिव एबिलिटी थी वो खत्म हो गई, नॉन कंजुगेटिव हो गया, कैसा हो गया, नॉन कंजुगेटिव। नहीं समझ में आ रहा, किसको बात ही समझ में नहीं आई, बताइए, अच्छा आ गई, थ्री ट्वेंटी यहीं तक रखा जाए या फिर और आगे बढ़ा जाए, बताओ।
पढ़ा दी। चलो अब आप ये नहीं कह सकते कि मुझसे पूछा नहीं गया। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। एक बार ट्रेन स्टेशन से छूट गई तो फिर चलिए सभी लोग ध्यान दें, कौन से वेक्टर यूसी, ठीक है यूसी वेक्टर है। प्लाज्मिड यूपी होते हुए कैलिफोर्निया पहुंचा, और हम लोग कहां पढ़ रहे हैं, यूपी में। जरा ध्यान दें सभी लोग, जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दें, अंग्रेजी में क्या लिखा है थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। पीयूसी वेक्टर्स, पीयूसी सीरीज वेक्टर्स कहते हैं, क्या कहते हैं, पीयूसी सीरीज में 8-9 आ जाते हैं, पीयूसी 8, पीयूसी 9, पीयूसी 18, पीयूसी 19, ऐसे वेक्टर्स आते हैं और वो नंबर बने रहने दीजिए, ठीक है। पीयूसी सीरीज के वेक्टर्स डेरिवेटिव हैं पीवीआर 322 के, किसके डेरिवेटिव हैं, और 322 आप पढ़ चुके हैं, मुझे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ये बताने में कि पीवीआर में क्या हटा देंगे, क्या लगा देंगे और पीयूसी में कैसे कन्वर्जन कर लेंगे, ठीक है। तो पीयूसी सीरीज के वेक्टर्स किसके डेरिवेटिव हैं बताइए, 322 के डेरिवेटिव से। समझ में आ रहा है, दो बड़े चेंज कर लिए, कितने चेंज, ये चेंज आपकी मानसिकता से मैच करते हैं कि बड़ा करेंगे कुछ, बड़ी रिसर्च करेंगे, पढ़ना लिखना कुछ है नहीं, बड़ा करेंगे कुछ, दुनिया में धमाका कर देंगे, तो परमाणु बम पर बैठ के धमाका कर लेना। तो ध्यान दीजिए कि दो चेंज करेंगे, क्या करेंगे, दो चेंज, एक जीन हटाएंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का एक जीन हटा देंगे। तो बताओ कितने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होंगे पीयूसी सीरीज में, एक होगा। जो मैं बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, पीवीआर में कितने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, दो। पीयूसी सीरीज के वेक्टर्स को पीवीआर से ही डेवलप किया है, ठीक है, प्रोड्यूस इन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। समझ में आ रहा है, ठीक है, दो बड़े चेंज करने हैं, एक चेंज ये करना है, दो में से एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन हटा दिया, ध्यान रखेंगे। और जो ये बिखरी हुई बैम H1 और हिंद थर्ड या इको R1 या सेल 1 जो साइट्स थी, इन सभी बिखरी हुई रिस्ट्रिक्शन साइट्स को एक पॉली लिंकर में अरेंज करेंगे, किसमें अरेंज करेंगे, अर्थात सभी रिस्ट्रिक्शन साइट को एक जगह कंसंट्रेट कर ले, इतना करना है, ठीक है। इतना यदि आप स्वीकार कर चुके हो तो मैं फिर कुछ आगे बोलना शुरू करूं, जिसको अभी ये बात हजम ना हो रही हो वो दोबारा मुझे बताए, बताइए क्या चेंज करने हैं, एक एंटी, तो पीयूसी सीरीज में कितने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होंगे, एक। कैरेक्टर बना लिखे जाते हैं पीयूसी सीरीज के वेक्टर्स के बारे में, एग्जामिनर लिखेगा कि मैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लिख रहा हूं, करेक्ट और इनकरेक्ट सिलेक्ट करिए। तो पीयूसी सीरीज के वेक्टर्स में कितने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन मिलेंगे, एक, और रिस्ट्रिक्शन साइट एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड होंगी पॉली लिंकर में, किसमें होंगी, और जहां से हम लोग हटाएंगे एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन वहां पर मोस्ट फेमस जेड जीन को लगा देंगे, कौन से जीन को, लैकोपेरॉन में पढ़ रखा है, कौन सा एंजाइम, बीटा के लिए, इस जेड जीन को लगा देंगे। जेड जीन के लगाने से फायदा क्या होगा, जेड जीन कौन सा एंजाइम कोड करता है, और ये इंटरप्ट होगा तो कौन सा एंजाइम नहीं बनेगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के बेसिस पर सेल को सेलेक्ट करना आसान है। अरे भाई बीटा, आप वो लैक्टोज खाएगा या नहीं खाएगा, इस बेसिस पर सेल को सेलेक्ट करना आसान है, समझ में आ रहा है। तो जब हम लोग पीवीआर को पीयूसी सीरीज के वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं तो एक रेजिस्टेंस जीन हटा देते हैं, वहां पर हम बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए जेड जीन को प्लेस कर देते हैं, कौन से जीन को, और जेड जीन के बेसिस पर, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की बेसिस पर सेल को सेलेक्ट करना सिंगल स्टेप प्रोसेस है, कैसा है, अर्थात सेल का सिलेक्शन करना आसान है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का सिलेक्शन करना आसान है, जबकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन पर सिलेक्शन करना आसान नहीं है, 2-3 स्टेप रिएक्शन की जरूरत पड़ती है तब आप सिलेक्शन कर पाओगे, और यहां पर सिलेक्शन कैसा होगा, सिंगल स्टेप में हो जाएगा। नहीं समझ पा रहे,
ठीक है, इतना ही तो करना है ना, ये समझ में आ रहा है। और यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो कौन से सीरीज के वेक्टर हो जाएंगे, इनका कॉपी नंबर भी ज्यादा हो जाएगा, यही चेंज करके हम लोग इन्हें कन्वर्ट कर लेते हैं पीयूसी सीरीज, अर्थात यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पीवीआर 322 को मॉडिफाई कर लिया गया एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में, जिनको हम लोगों ने नाम दिया सीरीज। जो नंबर है 8, 9 या 18, 19 उसमें कुछ नहीं करना है। जो रिस्ट्रिक्शन साइट है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, इसको उठा के पलट दिया तो हो गया ई डी सी बी ए, अपोजिट कर दिया, समझ में आ रहा है, इससे नंबर बदल जाता है। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ठीक है। और ऐसा करते समय क्या हुआ, एक और प्रोडक्ट और बेहतर हो गया, जब ये चेंज किए गए इन्हीं के साथ एक पॉइंट, एक चांस म्यूटेशन क्रिएट हो गया रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट में। म्यूटेशन किसमें आ गया, इसी कन्वर्जन के समय चेंज किसमें आ गया, ओरिजिन साइट में। और ये चेंज ज्यादा प्रोडक्टिव रहा, जो कॉपी बन रही थी 30 से 45 वो अब सैकड़ों में, हंड्रेड्स में पहुंच गई। इस वजह से पीयूसी सीरीज के वेक्टर्स का जो कॉपी नंबर होता है वो हंड्रेड्स में होता है, किसमें होगा, ये और एक सिलेक्टिव एडवांटेज आ गया। तो जब पॉलीलिंकर एक ही जगह पर सारे जीन्स को हम लोगों ने कंसंट्रेट कर लिया तो हमें ज्यादा ऑप्शन रहेंगे, ठीक है। दो ऐसे डीएनए, एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल जिसके दोनों इंड कैसे हो, अलग अलग हो, मान लेते हैं इको आर वन का ये इंड है और ये बैम एच वन का है, यदि पॉलीलिंकर एक जगह पर है तो हम उन दोनों को जोड़ सकते हैं। अभी तक आपकी ये सोच है कि दोनों के इंड कैसे हो, एक ही रिस्ट्रिक्शन साइट से, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री हो, अलग अलग डिफरेंट रिस्ट्रिक्शन साइट के भी इंड होंगे तो पॉलीलिंकर पर उन्हें इजीली हम क्या करेंगे, लिंक कर लेंगे, ठीक है। ये चेंज किसमें किया, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा चेंज देखते हैं क्या है, पीयूसी सीरीज वेक्टर्स आर डेराइव्ड फ्रॉम या डेरिवेटिव्स ऑफ एंड आर मच स्मॉलर, कैसे हैं, क्योंकि हम लोगों ने काफी पोर्शन हटा दिया, एक जीन भी हटा लिया है, ठीक है, अबाउट 2.7 के बी। अब देखिए इनका जो साइज है वो 3 के बी के अंदर है, 3 के बी के अंदर है। दीज वेक्टर्स हैव डेराइव्ड एम्फिसिलिन रेजिस्टेंस जीन एंड कॉल इवन रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट, एक ही रेजिस्टेंस जीन है, कौन सा, एम्फिसिलिन, किसे हटा दिया, टेट्रासाइक्लिन, रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट पीवीआर का ही है, ध्यान रखेंगे। कॉल इवन रेप्लिकेशन ओरिजिन ऑफ पीयूसी सीरीज वेक्टर कंटेन ए चांस म्यूटेशन सो दैट ईच ट्रांसफॉर्म इकोलाई सेल हैज 500 to 700 कॉपीज ऑफ दिस प्लाज्मा। जो कॉल इवन रेप्लिकेशन ओरिजिन है उसमें चांस म्यूटेशन है और ये म्यूटेशन इसको रेप्लिकेटिव इफिशियंट बना रहा है। कॉपी नंबर कितना होगा, तो जो कॉपी नंबर मिल रहा था अभी आपको 30 से 45 वो नॉर्मली पहुंच गया 500 to 700। किसी भी क्लोनिंग वेक्टर के लिए ये यूजफुल प्रॉपर्टी है, उसका नंबर कितना ज्यादा होगा, ठीक है। ऑल द 9 यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर क्लस्टर्ड इन ए सॉल्ट आर्टिफिशियल ओलिगोन्यूक्लियोटाइड कॉल्ड पॉलीलिंकर विच वॉज इंसर्टेड इन टू लैक जेड जीन। एक जीन हटाया, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन हटाया, उसके क्लोजली प्लेस किया लैक जेड जीन और लैक जेड जीन में ये 9 रिस्ट्रिक्शन साइट का पॉलीलिंकर भी प्लेस कर दिया। अर्थात जो भी आप इंसर्शन करेंगे, जो भी फॉरेन डीएनए इंसर्ट करेंगे वो आपको जेड जीन में ही इंसर्ट करना होगा, ठीक है। कौन सा जीन, ये क्या है, यहां पर क्या नहीं है, कौन सा जीन, ठीक है, किसका डेरिवेटिव है, फॉर एग्जांपल पीयूसी 8। अब इसका जो सिलेक्शन है वो किस पर बेस्ड हो जाएगा, लैक जेड पर, लैक जेड के बेसिस पर भी सिलेक्शन कर सकते हैं, तो पीयूसी सीरीज के वेक्टर्स को लैक जेड या लैक सिलेक्शन वेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग सिलेक्शन किसके बेसिस पर कर सकते हैं, लैक जेड, ठीक है। इट हैज ओनली रेप्लिकेशन ओरिजिन एंड द एम्फिसिलिन जीन कंटेन नो एनी, कोई भी रिस्ट्रिक्शन साइट किसमें नहीं है, एम्फिसिलिन जीन में, सारी रिस्ट्रिक्शन साइट को कहां क्लस्टर कर लिया है, ध्यान रखना है,
एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन में कोई भी साइट प्रेजेंट नहीं है इंडोन्यूक्लियस के लिए, सारी साइट्स को एक पॉलीलिंकर में क्या किया है कंसंट्रेट कर लिया है, ठीक है। ऑल द नाइन यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स आर क्लस्टर्ड इन, जरा देखिए ये कौन सा जीन है, लैग जेड जीन में ही क्या प्लेस कर लिया है सभी रिस्ट्रिक्शन साइट को, हिन थर्ड पीएसटी वन सेल वन एसीसी वन हिन, ठीक है, हिन सी सेकेंड बैम एच वन, ठीक है, इस्मा वन, ठीक है, छमा वन एंड इको आर वन, सभी रिस्ट्रिक्शन साइट एक ही जगह पर कंसंट्रेटेड है और ये जो पूरा पॉलीलिंकर है वो प्रेजेंट कहां पर है, लैग जेड जीन। एक ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, मैं फिर पीयूसी सीरीज वेक्टर्स के कैरेक्टर की बात कर रहा हूं, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, उस जीन में कोई रिस्ट्रिक्शन साइट है नहीं, सारी रिस्ट्रिक्शन साइट को एक पॉलीलिंकर में प्लेस कर दिया है और ये पॉलीलिंकर प्लेस है लैग जेड जीन। समझ में आ रहा है, ठीक है। टू इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है किसकी, पीयूसी 8 की, कौन सी है, द प्लाज्मिड हैविंग ए कॉपी नंबर 5-2, दी सेकेंड एडवांटेज इज दैट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट सेल कैन बी अचीव्ड बाय ए सिंगल, बताइए सिंगल स्टेप ऑन टू अगार मीडियम कंटेनिंग एम्फिसिलिन प्लस एक्स गैलेक्टोज, सिंगल स्टेप में इसका आइडेंटिफिकेशन किया जा सकता है। लैग सिलेक्शन जो बेस्ड होते हैं वो आसान है, आगे मैं आपको सिलेक्शन पढ़ाऊंगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। Because of the cluster of restriction sites, a DNA fragment with two different sticky ends, एक ही DNA molecule जिसके end कैसे हो different हो, sticky end कैसे हो different हो, ठीक है, उनको easily इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, insert कर सकते हैं। For example, eco R1 at one end and BAM H1 at the other end can be cloned without the restoring the additional manipulations such as linker attachment। जैसे हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल है और एक डीएनए मॉलिक्यूल के एंड पर इको आर वन के लिए साइट है, इसके लिए साइट है, और दूसरे के लिए बैम एच वन पर है, तो हम लोग क्या करेंगे, बैम एच वन और इको आर वन से कट कर देंगे, तो बैम एच वन यहां कट करेगा और इको आर वन यहां कट करेगा, ये पोर्शन बीच का क्या होगा, निकल जाएगा। इको आर वन और बैम एच वन की साइट क्या होंगी, अब एक्सपोज हो रही होंगी, रिस्ट्रिक्शन साइट ओवरहैंग एंड, हम इस डीएनए को यहां पर इंसर्ट कर देंगे बिना किसी लिंकर या एडॉप्टर को यूज। तो पॉली लिंकर लगाने का फायदा यह है, डीएनए मॉलिक्यूल जो डीएनए में इंसर्ट करना चाहते हैं यदि उसके एंड वेरी कर रहे हैं, उनके जो स्टिकी एंड है वो डिफरेंट सिक्वेंस कैरी कर रहे हैं, तो उनको हम पॉली लिंकर पर एड कर सकते हैं। दो एडवांटेज बताइए पीयूसी सीरीज वैक्टर्स के, मुझे उम्मीद है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं आप इनको समझ पा रहे हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं आप इसको समझ पा रहे हैं। पीयूसी 19, कौन सा पीयूसी 19, इसी सीरीज के वेक्टर है पीयूसी 19, 9 भी है 13 भी है, उसमें जाना नहीं, पीयूसी 19 ज्यादा फेमस है, ठीक है। इज कॉमनली यूज्ड क्लोनिंग वेक्टर दैट डिराइव्ड फ्रॉम, इट इज ए सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल, और कितने बेस पेयर का है, has ampicillin resistance gene as a selectable marker, has call even replication origin site, ye to conserved character hai, the plasmid having a copy number 5-700 carries 54 base pair long multiple cloning site arthat polylinker that contain unique sites for the 13 different restriction endonuclease। abhi PUC 8 mein 9 restriction sites aur yahan par kitni hai 13, ye dhyan rakhenge, ठीक है। ये क्या लिखा है बताइए, जरा देखिए पीयूसी 18 लिखा है ना, पीयूसी 18 में इस रिस्ट्रिक्शन 13 रिस्ट्रिक्शन साइट्स का जो पॉली लिंकर है उसको ऑपोजिट कर दें तो ये हो जाएगा 18। पढ़ो इसको क्या लिखा है, बट द मल्टीपल क्लोनिंग साइट रीजन इज रिवर्स, तो यदि आप पीयूसी 19 के पॉलीलिंकर को रिवर्स कर देंगे तो पीयूसी 18 हो जाएगा, कौन हो जाएगा पीयूसी 18। तो पीयूसी जो 18 और 19 है इन वेक्टर्स में आपको 13 रिस्ट्रिक्शन साइट्स मिल रही, जबकि पीयूसी 8 में कितनी रिस्ट्रिक्शन साइट्स थी बताइए, 9 थी। आप इसे देख पा रहे हैं बेस पेयर कितना है, एम्फिसिलिन
रेजिस्टेंस जीन है, ये कौन सा जीन है, लैग जेड जीन है, इसी में प्रेजेंट है मल्टीपल क्लोनिंग साइट है, ये ध्यान रखेंगे। ये रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट, ये पीयूसी सीरीज के वेक्टर। तो आज आपने पीबीआर पढ़ लिया है, पीबीआर 322, पीबीआर 327 और पीयूसी सीरीज ध्यान रखेंगे। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा बैक्टीरियोफाज लेमडा बेस्ड वेक्टर्स। बैक्टीरियोफाज लेमडा बेस्ड वेक्टर्स क्या हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है चंद्रकांत, कोई समस्या, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना है, कल हम लोग